نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة النحل آيات نمبر 68. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर बात वही की. ये वो आयत है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरा नहल, क्योंकि अरबी जबान में शहद की मक्खी को अन्नहल कहकर पुकारा जाता है. और यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि शहद की मक्खी पर वही की. ये कौन सी वही थी? अमूमन लोग वही को तो उस पैगाम को तसव्वुर करते हैं जो नबियों और रसूलों के पास हज़रत जिब्राईल लाकर अल्लाह के अहकामात पहुंचाते थे. ये वही का एक तरीका और वही की एक किस्म है, और यही असल वही है जिसको हम वही की शक्ल में प्रसीव करते हैं. लेकिन वही का अरबी में मतलब कोई एक पोशीदा सा, एक छुपा हुआ एक तसव्वुर जो दिल में अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाए, उसको वही कहा जाता है. अब वही एक तो अंबिया और रसूलों की तरफ अहकामाते इलाही पर मुश्तमिल थी, और इसके अलावा वही अल्लाह की तरफ से लोगों के दिलों में, आम बंदों के दिलों में भी. जैसे अगर हम आगे जाके वाक्या पढ़ेंगे तो अल्लाह सुबहाना ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का तस्करा फरमाते हैं कि हमने उम्मे मूसा के दिल में वही डाली, और कि इसको तू समुंदर में, इसको तू वो लकड़ी के ताबूत में डाल दे और ताबूत को समुंदर में डाल दे, इसे तेरा और मेरा दुश्मन जो है वो इससे उठा लेगा. तो बहरहाल उम्मे मूसा के दिल में जो वही डाली गई थी वो कोई नबूवत की वही नहीं थी, वो कोई अहकामात इलाही नहीं थी. तो वो जो ख्याल और सोच अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है उसको भी वही कहा जाता है. और इसी तरह अगर हम देखें तो जो ख्वाब इस्तखारे की शक्ल में अल्लाह सुबहाना ताला से हम रहनुमाई मांगते हैं, तो उसमें जो दिल में इरादा और सोच या ख्वाब दिखाया जाता है अल्लाह के हुक्म से, ये भी वही की एक शक्ल है. और हदीस के अल्फाज हैं, बस औकात हमें कोई चीज़ जो है उसके बिगड़ जाने और एक नुकसान के आने का फिक्र होता है, हमारे दिल में ख्याल आता है. तो हदीस के अल्फाज हैं कि जब तुम्हारे दिल में किसी नुकसान का ख्याल आए तो उससे बचने की कोशिश कर लो, क्योंकि ये ख्याल अल्लाह की तरफ से एक वही होता है. कई दफ़ा मसलन आपको मिसाल दूं कि हम जा रहे होते हैं और ग्लास जो है ना वो बिल्कुल मेज़ के कोने पर पड़ा होता है, और हमारे दिल में ख्याल आता है कि इतना कोने पे कहीं ये टूट ना जाए, और हम फिर भी उसको छोड़ के गुजर जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं और वो थोड़ी देर के बाद गिर के टूट जाता है. तो ये जो दिल में ख्याल आया था ये क्या था? ये वही थी. इसी तरह वही अल्लाह सुबहाना ताला सिर्फ इंसानों के दिलों में ये पोशीदा सा ख्याल नहीं डालते, चिरिंद परिंद हैवानात के दिलों में भी ये डाला जाता है. और इसकी गवाही ये है कि आप इस बात को जरूर ही जानती और समझती होंगी कि अगर आप देखें तो एक छोटा सा घोंसले के अंदर एक छोटा सा जो चिड़िया का बच्चा होता है, उस चिड़िया के बच्चे को जब वो माँ अपनी चोंच में दाना दुनका उसके लिए लेकर आती है तो उसको उसका मुंह खोल के पर हिलाना कौन सिखाता है? किसने उसको बताया कि अपना मुंह खोले अपनी माँ को दाना दुनका लेकर आते हुए देखकर? या एक चिड़िया के बच्चे को घोंसले में से अपने पर फैला के उड़ने का तरीका कौन सिखाता है? या एक बत्तख के बच्चे को पानी देखने के बाद पांव, अपने पांव मार के उस तालाब के अंदर तैरने का तरीका, ये सब क्या है? ये वही है. एक बीज, बीज में से जब उसकी जड़ें निकलती हैं तो उन जड़ों को कौन सिखाता है कि उन्होंने जेरे जमीन रहना है? और जो कोंपल निकलती है तो उस कोंपल को कौन सिखाता और बताता है कि उसने जमीन का सीना चीर के आसमान की तरफ उठ जाना है? ये सब वही है.
तो इसी तरह की वही अल्लाह सुबहाना ताला ने शहद की मक्खी पर भी बात वही की और क्या कहा कि पहाड़ों में, दरख्तों में और टीटियों में यानी बेलों में अपने छत्ते बना। आगे चलने से पहले मैं ये बताऊं कि शहद की मक्खी के जो हाइव्स हैं उसके बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की गई है वो साइंटिस्ट बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शहद की मक्खी के छत्ते हैं वो पहाड़ों में होते हैं, फिर दरख्तों में होते हैं और फिर बेलों में होते हैं। शहद की मक्खी ने कितनी परफेक्शन और प्रिसीजन के साथ अल्लाह की वही की अतात की। और फिर क्या कर, हर तरह के फलों का रस जूस और अपने रब की हमवार की भी राहों पर चलती रहे। उस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। दौरे कुरान में ना असल में बहुत थोड़ा वक्त होता है और हम बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकते। ये आयत इतनी खूबसूरत है और मेरा ख्याल है इस एक शहद की मक्खी की रुदाद और उसके सारे नमूने जो उसकी ज़िंदगी के वाक़ियात और उसके अंदाज से मिलते हैं उस पर मेरा ख्याल है मेरा एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर है और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। और बस फिर शहद की मक्खी का रवैया सुनाने के बाद बिल्कुल यूँ ही समझ में आता है कि शहद की मक्खी का अंदाज़ हज़रत इंसान को शर्मा देता है कि वो कितनी परसिस्टेंस, परसेवेरेंस और कितनी ज़बरदस्त अतात के साथ अल्लाह की बंदगी करके तो अल्लाह की अतात करती है। लेकिन वो सारी वजाहत तो मैं नहीं कर सकूंगी इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे, हमें मैसेजेस पे बताएंगे तो हम वो आपको शहद की मक्खी का वो लेक्चर जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे, उसका लिंक अपना यूट्यूब का भेज देंगे। मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पर यूट्यूब पर और हमारे तमाम वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी होते हैं। बहरहाल एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी, छोटी सी एक शहद की मक्खी और उसका ब्रेन और उसका दिमाग जो है ना वो सुई के नक्के के बराबर है। अब वो सुई के नक्के के दिमाग वाली शहद की मक्खी जब अल्लाह के वही की अतात करती है तो देखें प्रोडक्ट और आउटपुट शहद जितनी मुफीद चीज़ पैदा हो जाती। ऐसा ही है ना, तो सोचने की बात क्या है, लम्हा फिक्र क्या है कि हम अशरफुल मखलूकात, इतने बड़े अशरफुल मखलूकात और इतना बड़ा हमारा दिमाग इतनी बड़ी खोपड़ी के अंदर, अगर ये दिमाग अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की अतात के मुताबिक काम करेगा तो फिर कितने मुस्बित और कितने फ़ायदे वाले और फलाह वाले नतायज मुरतब होंगे। अल्लाह सुबहाना ताला हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमा। और देखो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें वो मौत देते हैं और तुम में से कोई कंस्यूमर को अर्जलिल उमर, बदतरीन उमर की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ भी ना जाने। हक ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। यहाँ पर क्या अर्जिल उमर का तस्करा किया जा रहा है, ये कौन सी उम्र है, ये ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा, बुढ़ापे की उम्र, ये वो उम्र है जैसे वाकई अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से वो वाकई बदतरीन उम्र की हालत में पहुंचता है। सोचना, समझना, जानना, पहचानना, याद रखना, खाना पीना, चलना फिरना सब कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। वो जवानी में ताकतवर था, अब कमज़ोर हो गया। उसका हाफ़ज़ा तेज़ था, अब भूलने लगा। पहले रवानी से फसाहत और बलागत के साथ शायद बहुत बड़ा ऑरेटर था, फिर रुक रुक के बोलना भी मुश्किल हो गया। पहले फहम, इदराक, शऊर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब छोटा सा बच्चा बन के समझना मुश्किल हो गया। पहले खाता था, पीता था, दौड़ता था, भागता था, अब टेक और सहारे से भी चलना मुश्किल हो गया। ये बुढ़ापे की उम्र है। बुढ़ापा बजाते खुद एक कमज़ोरी और ज़ोफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अर्जिल उम्र से बचने की दुआ सिखाई है। मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अर्जिल उम्र। ये याद कर लीजिए और नमाज के बाद अपनी दुआओं में इसको लाजिम शामिल कर लीजिए। अल्लाह हमें इस अर्जिल उम्र से भी बचाए, हमें माजूरियों मोहताजियों से भी बचाए, अल्लाह चलते फिरते रखे और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हमें अपने अलावा किसी और का मोहताज ना करना। अल्लाह आखिरी सांसों तक नमाज में इस्तकामत अता फरमाना, आखिरी लम्हों तक ताल्लुक बिल कुरान अता फरमाना और आखिरी घड़ी तक कलमा तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला खुश नसीब बनाना। अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत।
और देखो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में फजीलत अता की है। फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाए। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? अल्लाह सुबहान तआला ना कुरान में बहुत दफ़ा आका और गुलाम की मिसाल देकर तौहीद का अकीदा समझाता है और अल्लाह की ज़ात और सिफात और इख्तियारात की पहचान करवाता है। इस आयत में जो बात समझाई जा रही है कि देखो दुनिया में जो मालिक होता है, मालिक वो होता है ना जो साहिब माल होता है, जो मालदार होता है और अपने माल के बलबूते के ऊपर किसी गुलाम को खरीद कर गुलामी में उससे काम करवाता है। तो अल्लाह सुबहान तआला सवाल कर रहे हैं कि देखो क्या दुनिया में कभी यूं हुआ कि किसी आका ने जो उसका माल है वो बराबर गुलाम को देकर अपने और अपने गुलाम को माली तौर पर बराबर कर लिया हो? नहीं ना। तो दुनिया में अगर तुम इतने सयाने और इतने समझदार हो कि दुनिया में तुम आका और गुलाम का फर्क समझते भी हो, पहचानते भी हो और उसको कायम भी रखते हो भला चंगा, तो फिर क्या अल्लाह खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क जो है उसको महसूस करना तुम्हारे लिए मुश्किल है? उसको पहचानना, उसको कायम रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया? क्या खालिक और मखलूक और मालिक और ममलूक के दरमियान फर्क जो है उसी के अंदर तुम्हें कंफ्यूजन है और तुम शिर्क के मुर्तकिब होते हो? बड़े खूबसूरत तरीके से शिर्क की नफी की गई। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए हम जिन्स बीवियां बनाई और उसने इन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए। अल्लाह सुबहाना ताला हमारी अजवाज को हमारी आँखों की ठंडक बना देना और अल्लाह सुबहाना ताला हमारे बेटों को, हमारे पोतों को, हमारी जुरियत को इन सब के दीन, ईमान, इस्लाम, इनकी हया, इनकी इज्जतों, इनके रिस्क की हिफाजत फरमाना और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दीं। हालांकि क्या है खाने को दी, फिर क्या ये लोग ये सब कुछ जानते और देखने के बावजूद भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसानात का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से कुछ उन्हें रिस्क देना है और ना ज़मीन से और ना ये काम वो कर सकते हैं? बस अल्लाह के लिए मिसालें न खड़ा करो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है ग़ुलाम जो दूसरे का ममलूक है और ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता, दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया और वो उसमें से खुले छुपे खूब खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? कौन? अल्लाह का फरमा बरदार और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला अपने तन मन धन, और अल्लाह का नाफरमा बरदार। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। अल्लाह एक और मिसाल बताता है, दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बनाए, जिधर भी वो उसे भेजे वो कोई भला काम उसे ना बनाए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है, खुद राह राज पर कायम है। बताओ क्या ये दोनों यकसा हैं? और ज़मीन और आसमान के पोशीदा हकायक का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और क़यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर नहीं लेगा, मगर बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा व जअलनी शकूरा, اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا। अल्लाह हमें निगाहों, हमें दिलों, हमें कानों की वुस्सत और बसीरत अता फरमा। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फ़ज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख़र हैं? अल्लाह के सिवा किसने उनको थाम रखा है? इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। अल्लाह हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे, अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह इस महफिल में जिस जिस के घर में जो तकलीफ़, जो परेशानी, जो दुख, जो गम, जो बीमारी, जो लड़ाई, जो झगड़ा, जो मसाइल, जो माली तंगियां हैं, अपनी नज़र रहमत से उन सबको ढांप के अल्लाह उनके सारे मसाइल हल कर दे। घरों को मोहब्बतों से माला माल कर दे। अल्लाह दिलों को मोहब्बतों, उल्फतों से जोड़ दे। अल्लाह रिस्क की तंगियों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफाया जिला कामिला अता फरमा दे।
उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और कयाम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। उसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रा तक तुम्हारे काम आती हैं। उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साय का भी इंतजाम किया। पहाड़ों में भी तो तुम्हारे लिए पनागाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है। क्यों करता है? शायद ये कि तुम फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह सुबहाना ताला हमें साबिर शाकिर बना के अपनी बंदगी का तरीका सिखा। अल्लाह हमें बंदगी का लुत्फ अता फरमा, हमें बंदगी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं, और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक को मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें कुछ होश भी है, उस रोज की क्या बनेगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को हुज्जत पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना उनसे तौबा और इस्तगफार ही का मुतालिबा किया जाएगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो उसके बाद ना उनके अजाब में कोई कमी होगी और ना ही उन्हें लम्हा भर मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए परवरदिगार, यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हमने तुझे छोड़कर पुकारा था। इस पर उनके वो माबूद उन्हें साफ जवाब देंगे, तुम झूठे हो। उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनकी वो सारी इफ्तरा परदाजियां रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते रहते थे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह इख्तियार की है और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते थे। अल्लाह फरमा रहे कि कयामत के दिन ना मैदान हशर में सब लोग के हजूर झुक जाएंगे। हदीस से भी हमें पता चलता है कि जब मैदान हशर में सब लोग जमा होंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये निदा लगाई जाएगी कि सब अल्लाह के हजूर, जब अल्लाह सुबहाना ताला अपने अर्श पर मुतमक्किन होंगे और मैदान हशर में 8 हामिलाने अर्श अल्लाह के अर्श को थामे होंगे, तो एक मनादी एक निदा लगाने वाला ऐलान करेगा कि सब अल्लाह के हजूर झुक जाए। हदीस बताती है कि सब लोग अल्लाह के हजूर झुक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ख्वाहिश और उस वक़्त पूरी डिज़ायर के बावजूद झुक नहीं सकेंगे। दाएं बाएं आगे पीछे लोगों को झुकते हुए देखने के बावजूद वो झुक नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हदीस बताती है उनकी कमरें लोहे और लकड़ी के तख्तों की बना दी जाएंगी। ये कौन से लोग थे? हमें हदीसे मुबारका से पता चलता है ये वो लोग थे जो दुनिया में सुस्ती की वजह से, कोताही की वजह से, गफलत की वजह से, या ढिटाई और जिद की वजह से, या घुमंड की वजह से, या लाइल्मी और जहालत की वजह से, जो भी वजह थी, नमाज नहीं पढ़ते थे। उनके सरों की गरानी उन्हें सजदे से रोकती थी, उनके कमरों की उनकी गर्दनों की तकब्बुर और सुस्ती उन्हें रकू और सजूद से रोक देती थी। ये बेनमाजी होंगे। दाएं बाएं लोगों को झुके हुए देखेंगे लेकिन ख्वाहिश के बावजूद झुक नहीं सकेंगे। झुक जाइए सजदों में, रकू में झुक जाइए अल्लाह सुबहाना ताला के आगे। वो जो कहा गया, नमाज पढ़ें इससे पहले के नमाज पढ़ी जाए, हिसाब लें इससे पहले के हिसाब लिया जाए। रब्बी जालनी मकीम सलाती व मिन सुरियती। उन्हें उस दिन से खबरदार करो जबकि हम हर उम्मत में से खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए तो हम आपको लाएंगे। ये उसी शहादत की तैयारी तो है ना कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो साफ साफ वजाहत करने वाली है। और ये किताब क्या है? वहुदं व रहमतं व बुशरा। ये किताब हदायत है, ये किताब रहमत है और खुशखबरी है। सबके लिए नहीं, लिल मुस्लिमीन, वो लोग जो मुस्लिम हैं, जो अपना सर अल्लाह के आगे झुका देते हैं, जो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं और अल्लाह के फरमा बरदार बन जाते हैं, सरे तस्लीम खम कर देते हैं, अपनी अना को अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के आगे झुका देते हैं, अपने इख्तियार अमल से दस्तबरदार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये कुरान क्या बन जाता है? हदायत, रहमत और खुशखबरी।
اللهم اهدنا الصراط المستقيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ نحل کی یہ آیت آپ نے جمعے کے خطبے میں سنی ہوگی. جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اس کو ثابت نہیں ہے. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں اس کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ جمعے کے خطبے کا ایک لازم حصہ رہی. بہرحال ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ یأمر وہ حکم دیتا ہے اور کیا کرتا ہے, وہ ینہا وہ روکتا ہے. آیت میں اللہ کے تین امر یعنی حکم اور ڈوز اور تین نواہی یعنی ڈونٹس آف اللہ. ویسے تو میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے امر اور اللہ کے نواہی سے, لیکن یہ وہ تین اسپیسیفائڈ, تین ہائی لائٹڈ, تین اناؤنسڈ امر اور تین اناؤنسڈ نہیں ہیں. گویا ان کو جاننا, ان کو ماننا اور ان کو کرنا اور ان سے رکنا انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہائی لائٹڈ امر اور نواہی اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن کے. اللہ جب حکم دیتا ہے تو پہلا حکم کس کا دیتا ہے؟ بالعدلی, عدل کا. دوسرا احسان کا, اور تیسرا رشتہ داروں کو, قرابت داروں کو دینے کا. آگے چلنے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے, اللہ یہ جو تین امر دیتا ہے اس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان کا تذکرہ ہی نہیں آیا. عدل کا تذکرہ آ رہا ہے, احسان کا تذکرہ آ رہا ہے, رشتہ داروں کو دینے کا تذکرہ آ رہا ہے, اور یہ عدل اور احسان یہ کن کے درمیان ہے؟ اللہ کے بندوں کے درمیان. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے حقوق سے زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا, الا یہ کہ جس کے حقوق کو غصب اور غبن کیا گیا ہو وہی شخص مظلوم جو ہے وہ حقوق کو معاف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سب سے پہلا, ان سب پہ بات انشاءاللہ الگ الگ ہوتی رہے گی, لیکن پہلا حکم عدل کا ہے. پہلا حکم عدل کا ہے کیونکہ عدل کے بغیر امن نہیں آ سکتا. گھر کے اندر, معاشرے کے اندر, کسی قوم کے اندر, جو اجتماعی سطح کے اوپر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن رکھے اور محبتیں رہیں تو پھر عدل جو ہے وہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عدل کا نظام قائم کیا ہے, اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ کہ یہ جو میں نے نظام عدل کائنات کے اندر برپا کیا ہے, اسی لیے تو کائنات کے اندر کیا ہے, بہت زیادہ امن ہے, بہت زیادہ امن ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ عدل اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, اعدلوا, عدل کیا کرو, فہو اقرب للتقویٰ, یہ ایک متقی اور پرہیزگار کے زیادہ نزدیک ہے, شایان نشان ہے کہ وہ عدل کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ بھی نہیں کہا کہ عدل کرو, اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ عدل کے علم بردار بن جاؤ, چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات یا تمہارے عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یحب المقسطین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں اور عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انشاءاللہ عدل پر آگے وضاحت سے بات ہوگی. اور دوسری ہے احسان. احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رویہ کہ جب ہم کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے دیں, اپنے فرض سے بڑھ کے کر دیں, محض دوسرے کو سکون اور راحت دینے کے لیے کر دیں, یہ احسان ہے. وہ انداز جس کے اخلاق میں, معاملات میں, جس کے لہجوں میں, جس کے انداز کے اندر قصن ہو, وہ رویہ احسان کا رویہ ہے. اور پھر تیسرا حکم اللہ نے دیا ایتاء ذی القربا, جو تمہارے قرابت دار ہیں تم ان کو دو, جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو تمہارے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں تم ان کو دو. اور کیا دو؟ انشاءاللہ آج بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بات کریں گے. وہ ینہا, اللہ روکتا ہے کس سے؟ ان الفحشاء, فحش سے روکتا ہے. فحش اور ولگیرٹی, فحش اور ولگیرٹی سے مراد صرف بے حیائی, بے لباسی, عریانی, تھوڑا لباس پہننا یا ریویلنگ کپڑے پہننا صرف فحش نہیں ہے, یا زنا صرف فحش نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ فحش ہے, بٹ دیر از مچ مور ٹو اٹ. فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرتے ہوئے انسان خود کراہت محسوس کرے اور
वो इस बात को बुरा महसूस करे कि लोग ये जान लेंगे कि उसने इस काम का इर्तिकाब किया, यानी उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो भी उसको शर्मिंदा और पशेमान करती है और नादिम करती है, और उसका करना भी उसको जो है वो बुरा और मकरूह लगता है। हर वो अमल फहश है। मुनकरात उन तमाम आमाल को कहते हैं कि जिसका बुरा होना एक फर्द एक माशरा रजिस्टर करता है। मसलन हर माशरे के अंदर, चाहे वो मुशरिकों का माशरा है, चाहे वो काफिरों का माशरा है, चाहे बुत परस्तों का माशरा है, चाहे वो चोर है, डाकू है, जानी है, हर फर्द और हर माशरा माँ के साथ गुस्ताखी और बदकलामी को समझता है। बाप की नाफरमानी और बाप के साथ बदअखलाकी की हकीकत जो है उसको मुनकर समझता है। हर माशरा जो है वो झूठ को बुरा समझता है। तो ये मुनकरात हैं। वल बगी, बगी कहते हैं सरकशी को, जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको डिसओबे करना जो है वो सरकशी है। और सरकशी और बगावत जो है वो हर सतह पर मना है। एक मुसलमान सिर्फ ये नहीं है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अहकामात से बगावत नहीं करेगा, वो तो बहरहाल नहीं करेगा, वो तो फिस्क व फजूर हो जाएगा, तो वो तो कुफर हो जाएगा। लेकिन सरकशी हुकूमत के कवानीन से भी, हाँ अगर वो तागूती कवानीन नहीं है और अल्लाह के अहकामात के साथ वो क्लैश और टैली जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, तो वो हकूमत के कवानीन से भी बगावत नहीं करेगा। वो अपने घर के अंदर के कवानीन से जो है वो भी बगावत नहीं करेगा। मसलन आप देखें कि अगर हम ट्रैफिक लॉज को देखें, तो ट्रैफिक लॉज को अगर बगावत होने लगी और लाइट पॉइंट्स पर अगर बगी और सरकशी होने लगी तो क्या ख्याल है, मामला चलेगा? सड़कों के ऊपर ट्रैफिक चल पाएगी? घर के अंदर अगर बच्चे वालिद की या वालिदा की सरकशी करने लगे और बगावत करने लगे तो क्या घर के अंदर अमन रहेगा? एक बीवी अगर शौहर की सरकशी करने लगी तो क्या निजाम चलेगा? तो अल्लाह सुभाना ताला ने जो तीन डोंट्स बताए उनमें फहश, उसके अंदर मुनकरात और उसके अंदर बगी। अल्लाह हमें डूज और डोंट्स को समझने, इनको करने, अमर को करने और नवाही से इज्तनाब और परहेज और कराहत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम उससे कोई अहद बांधो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डाला करो जबकि अल्लाह को तुमने अपने ऊपर गवाह बना लिया है। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूद काटा और फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकर और फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदा हासिल कर ले। अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी बहुत दफ़ा बातें मिसालों से समझाते हैं। और ये कुरान जो बहुत ही आसान है और कुरान मुबीन है, इसका ये अंदाज है कि अल्लाह जब भी कोई मिसाल देता है तो हमें हमारी रोज़मर्रा जिंदगी से मिसाल दी जाती है, कहीं कोई दूर की कोड़ियाँ उठा के नहीं लाई जाती। यहाँ पर मिसाल दी जा रही है एक औरत की कि जिसने बड़ी मेहनत से पहले चरखा काटा, सूत का धागा बनाया कपास से, और फिर वो उसने खड्डी के अंदर कपड़ा बनाया और काटा उस कपड़े को, और फिर इतनी मेहनत के साथ वो सूत बनाने के बाद उसने क्या किया, कैसी हमाकत की और कैसी बेवकूफ़ी की कि उसने खुद ही पकड़ के उस कपड़े को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के काट के फेंक दिया। अल्लाह सुबहाना ताला असल में इस मिसाल से समझाना क्या मकसूद है, कारी कुरान को एक मुसलमान को समझाया जा रहा है कि देखो ये नेकियां जो तुम बड़ी मेहनत से मुशक्कत से सही और दौड़ धूप और कुर्बानियों से जो तुम नेकियां करते हो इनको जाया न कर देना। कुछ अपने ऐसे काम, कोई अपनी ऐसी सरगर्मियां या कोई ऐसी एक्टिविटीज ना कर लेना कि तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाए। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑपोजिट तस्वुर कुरान में, जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना इन्नल हसनते युज़हिबुन सय्यिआत, कि देखो कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को भी ले जाती हैं। इंशाल्लाह वो आयत आएगी तो मैं वजाहत से बात करूंगी कि कुछ काम अच्छे नेकियों के ऐसे हैं कि जब बंदा वो नेकियों के काम करता है तो अल्लाह रहमान इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि सिर्फ वो अजर और सवाब नहीं देता बल्कि उस नेकी करने वाले के बहुत से गुनाह भी बख्श देता है। इंशाल्लाह वो फहरिस्त भी हम देखेंगे। लेकिन ये उसके बिल्कुल अपोजिट है कि कुछ गुनाह के काम, कुछ नाफरमानी और सरकशी के काम ऐसे हैं कि वो रब इतना नाराज होता है, उसे इतना गजब और खफगी होती है कि वो उस शख्स को सिर्फ गुनाह ही नहीं दिया जाता, उसको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं दिए जाते, उसके साथ बहुत सी नेकियां भी उसके नामा अमाल में से साकित करके डिलीट कर दी जाती हैं। इन गुनाहों को जानना बहुत जरूरी है। वो कौन से अमल हैं,
वो कौन से गुनाह हैं, वो कौन सी नाफरमानी और सरकशी हैं जो अपने साथ गुनाहों को भी ले जा, नेकियों को भी बर्बाद कर देती है। नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम वाली बात। मसलन आप देखें, एक फहरिस्त बना लीजिए। सारी बात तो मुकम्मल शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जरूरी नोट कर लीजिए। मसलन अल्लाह सुबहाना ताला, हम पढ़ेंगे सूरह बकरा में आता है कि अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लतुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रिया नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान लाने वालों, जब तुम सदका और खैरात करते हो तो अपने सदके और खैरात को दुख देके और एहसान देके जाया ना कर दिया करो, और उस शख्स की तरह ना हो जाया करो जो रिया करता है और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता। गोया सदका और खैरात किसी भी शक्ल में जब अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाता है, तो उस खर्च किए हुए माल के बाद अगर एहसान जिताया जाए, दुख दिया जाए, या रिया और दिखावा या एग्जिबिशन या डेमोंस्ट्रेशन और नमूदो नुमाइश की जाए उस सदके और खैरात की, उस सदके का अजर खत्म हो जाता है और वो सारी नेकी बर्बाद हो जाती, उसका अजर जीरो हो जाता है। माल तिजोरी में से निकल गया, खर्च भी हो गया, लेकिन अजर जीरो। मसलन देखें कि बहुत दफ़ा लोग किसी गरीब और मस्कीन को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, और फिर बड़ा होके उसको क्या सुना दिया जाता है, मेरे टुकड़ों पे पल के तुम यहाँ पहुंचे, अगर मैंने तुम्हारा हाथ ना पकड़ा होता तो आज तुम किसी काम के भी ना रहे होते। मतलब उसको जली कटी दिल दुखाने वाली हार्श बातें, टेढ़ी बातें सुना के एहसान भी किया जाता है। और एहसान करने वाले के लिए तो हदीस के अल्फाज है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं कि कयामत के दिन अल्लाह सुबहाना ताला ना उनसे बात करेगा, ना देखेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा। उनमें से टॉप ऑफ द लाइन वो शख्स है जो एहसान करता है। तो एहसान करने से और जिताने से और फिर उसको दुख देने से सदके और खैरात का अजर जो है वो जीरो हो जाता है, और सारी नेकी जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर रिया, अगर सदका और खैरात करने का मकसद खालिसतन अल्लाह को राजी करना और उस समी और बसीर को दिखाना और उससे अजर लेना और उसकी जन्नत की कीमत अदा करना या आखिरत इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट करना मकसद नहीं था, लेकिन मकसद ये का दुनिया को दिखाया जाए, इश्तिहारबाजी की जाए और अपनी नेकी के चर्चे और डंके बजाए जाए या अपने वोट लिए जाए या अपनी अपने दुनियावी मनफरात या फायदे हासिल किए जाए, तो ये रिया का सदका है। रिया तो इतनी नापसंदीदा कि आप अगर सूरह माउन की आयत दोहराएं, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो रिया करते हैं। तो हदीस के अल्फाज है ना कि रिया का दिखावे का सदका जो है वो भी क्या है, वो भी कबूल नहीं है, वो भी गुनाह है, वो भी शिर्क है। सदके की नमाज, रिया की नमाज, रिया का सदका, रिया का हज, हदीस के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से बड़ा फितना ना बता दूं? और फिर आपने फरमाया शिर्क के अकबर, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से बड़ा फितना ना बता दूं? और वो क्या है? वो शिर्क के अकबर। और ये क्या है? रिया की नमाज, दिखावे की नमाज। सहाबा ने पूछा कि दिखावे की नमाज क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे की नमाज ये है कि कोई शख्स महज अपना रकू या अपना सजदा इसलिए लंबा कर ले कि कोई उसको देख रहा है। मसलन आप देखें कि एक खातून पार्टी में, और वो नॉर्मली कभी नमाज नहीं पढ़ती और लोगों के सामने सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ती है कि मेरी नमाजी होने की एक स्टैंप लग जाए, और यहाँ वो नॉर्मली नमाज जितना वो क्याम और रुकू उसका नॉर्मल हालत में होता है, वो सबके सामने जरा ज्यादा ही लंबा क्याम कर लेती है, ज्यादा ही लंबा रुकू और सजूद सजदे से सारी नहीं उठ रहा, नॉर्मली जो है वो उसकी तरह के छोटे छोटे ठक 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 की तरह के सजदे और रुकू हैं, और यहाँ लोगों के सामने रुकू और सजूद है कि वो खत्म ही होने को नहीं आ रहे। तो ये दिखावा था, ये अल्लाह को दिखाने के लिए तो कर ही नहीं रही, तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए तो कर ही नहीं रही, तो लोगों में अपनी नेकनामी और अपनी इबादत गुजारी के डंके बजाय करने के लिए कर रहे, तो ये रिया जो है ये इबादतों को जाया कर देगी। ये रिया जो है वो इबादत के अजर को जाया कर देगी। और फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ये तीन चीजें सदके को जाया करती हैं। चौथी चीज जो है वो रिस्के हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्के हराम के हवाले से दो अहादीस हैं। एक हदीस रिस्के हराम के हवाले से है कि जिस शख्स ने जानते बूझते दानिस्ता एक लुकमा रिस्के हराम का खाया, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी।
और फिर हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक है और पाक ही माल कबूल करता है, हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होगा। तो रिस्क हराम एक ऐसा अमल है, उसने उसने नमाजें भी पढ़ी, उसने सदका खैरात भी किया, कितनी मेहनत मुशक्कत दिल पसंद माल निकी करना आसान नहीं होता, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, मेहनत सही करनी पड़ती है, ख्वाहिशाते नफ्स के गले दबाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके कतरा कतरा नेकियों का समुंदर इकट्ठा होता है। लेकिन फिर ये कि ऐसे अमल कर दिए, रिस्क हलाल कमाया, नमाज भी जाया, सदका खैरात भी जाया। फिर उसके बाद हसद, हसद ऐसा अमल है कि जो नेकियों को बिल्कुल ही जला के राख कर देता है। तकब्बुर करने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई भर भी तकब्बुर होगा, जितनी नेकियां करता है लेकिन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सिला रहमी करने वाले के, कता रहमी करने वाले के लिए ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहम, कता रहमी करोगे, करते रहोगे नेकियां लेकिन जन्नत में ही दाखिल नहीं होगे। और फिर तोहमत लगाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी पर तोहमत लगाता है, और अगर किसी पर ऐसे पर तोहमत लगाता है कि जो जिसने वो काम नहीं किया था उस पर गलत बात की तोहमत लगाता है, उसकी 100 साल की इबादत कबूल नहीं होगी। और फिर वो हदीस के अल्फाज जो इतना आम है आजकल उर्फ़ आम में, मुस्तकबिल के हालात मालूम करते हैं, पामिस के पास जाते हैं, मेरे हाथ की लकीर देख के बताओ मेरा कारोबार कैसा चलेगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और बहुत सी बातें हाथों से पूछी जाती हैं, शादी ब्याह के मामलात और अजवाजी ज़िंदगी के मामलात वहाँ से दरियाफ्त किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी काहिन, किसी जादूगर, किसी नजूमी के पास गया और उसने उस बातों की तस्दीक की जो उसने बताया, तो उसने कुफ्र किया, उसने मोहम्मद के दीन के साथ, और उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये वो सारे अमल हैं जो अमाल को जाया और बर्बाद करने का जरिया बन जाते। और फिर ये हदीस तो गिरा बांध के जहन नशीन कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गुना ऐसा है जिसके साथ कोई नेकी काम नहीं आती, एक गुना ऐसा है जिसके साथ कोई नेकी काम नहीं आती, खलास सब बर्बाद सब जाया। वो कौन सी है? वालदैन की नाफरमा बरदारी, वालदैन की नाफरमा बरदारी। वो शख्स जो नेकोकार है, स्वाले है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सदका खैरात करता है, लेकिन अपने वालदैन का दिल दुखाता है, जबान से उनका कलेजा काट देता है, उनको दुखाता है, उनको रुलाता है, उनको तड़पाता है, उनकी नाफरमानी करता है, बुढ़ापे में उनकी खिदमत गुजारी नहीं करता, उसकी सारी नेकियां बर्बाद है। ये वो गुनाह जिसके साथ कोई नेकी काम ही नहीं आती। ये फहरिस्त भी याद रखिएगा और इसको लोगों तक भी पहुंचाइएगा। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के जरिए से तुम्हें आजमाइश में डालते और जरूर क़यामत के रोज तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में से कोई इख्तलाफ ना तुम्हें कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है, जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है। अब आपको ये बात समझ है ना किसको गुमराह करते हैं और किसको हदायत देता है। और ज़रूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बाजपुरस हो के रहेगी। और ए मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया ना बना लो, कहीं ऐसा ना हो ना कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका था बुरा नतीजा देखो और सख्त सजा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के बदले ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर के बेहतरीन आमाल के मुताबिक देंगे। अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ पर एक तसव्वुर बता रहे हैं कि तुम अपनी बदहदी ना करो, तुम धोखा ना दो कि कहीं तुम्हारे धोखे की वजह से किसी के कदम इस्लाम से उखड़ ना जाए। असल में ये क्या तसव्वुर है, ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि एक शख्स जब कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान होके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, कुरान को थाम लेता है, तो इसके बाद और इस्लाम का दावा ऐलान और इकरार करने लगता है, तो इसके बाद वो सिर्फ अपनी जात या अपने घराने का नहीं, वो इस कुरान और इस दीन और इस्लाम का नुमाइंदा बन जाता है। उसके अखलाक, उसके मामलात, उसके रवैयों के साथ लोग उसके घर वालों को, उसकी कौम को नहीं, उसके दीन, उसके इस्लाम और अल्लाह के कलाम को समझेंगे।
एक खातून जब अपने हाथ में कुरान लिए दौरे कुरान सुनने के लिए निकलती है और उसकी बरादरी और उसके अहले खाना और खमसाइयाँ देखती हैं कि ये बुखारी की क्लास में जाती है और ये कुरान की क्लास में जाती है, तो उसके अखलाक और मामलात से फिर लोग मिसेस फलां फलां या फलां की बेटी को नहीं, फिर कुरान को समझेंगे, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझेंगे। इसकी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया करें। तो अल्लाह यही जिम्मेदारी महसूस बता रहे कि अगर कोई मुसलमान शख्स किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करता है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, कोई वादा मुआहिदा करता है और उसके बाद बदेदी कर देता है, जैसे आज हमारे पाकिस्तान में चावल ऊपर होते हैं और नीचे जो है वो बुरादा डाल देते हैं, वजन में कमी कर देते हैं, रंग के किसी और चीज को चाय की पत्ती और लाल मिर्च बना के भेज देते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में, तो ऐसी हालत में बदेदी का मुशाहिदा करने वाली वो दूसरी कौम किससे खाइफ होगी? मुसलमानों से और इस्लाम से खाइफ होगी। और ऐसे खाइफ होने वालों को और खाइफ करवाने वालों का गुनाह जो है वो उस रवैये को दिखाने वाले और दूसरे को इस्लाम से बदगुमान करने वाले की तरफ जाएगा। अल्लाह हमें अच्छी ही गवाही देने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द होगा या औरत, इस्लाम में ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बशर्ते कि वो मोमिन भी हो, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो ना, तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। आदाब तलावत बताया जा रहा है कि जब भी तलावत कुरान करने लगो तो तलावत कुरान से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। क्यों पढ़ लिया करो? क्योंकि कुरान किसका रास्ता सिखाता है? कुरान तो जन्नत का रास्ता सिखाता है। ये वो रास्ता सिखाता है जिसके रास्ते में शैतान ने कहा था कि मैं रखने और डांट जरूर डालूंगा, मैं रुकावटें जरूर डालूंगा, और मैं इस आदम की वजह से मैं निकला हूं तो बनी नौ आदम को मैं जन्नत में दाखिल करने से रुकावट डालूंगा। तो लिहाजा जब वो जन्नत का रास्ता सीखने के लिए, सराते मुस्तकीम पर चलने के तरीके सीखने के लिए कुरान सीखता है, तो वो हर तरीके से वसवसे डालता है, रुकावटें डालता है। तो उन रुकावटों से बचने के लिए कुरान पढ़ने से पहले कॉन्शियसली, ये दुआ है हिफाजत की, कॉन्शियसली अल्लाह सुभाना ताला से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दुआ पढ़ना अदाब तलावत भी है और हुक्म खुदाबंदी भी है। उसे उन लोगों पर तसल्लुत ही नहीं होता ना, किसी शैतान को उन लोगों पर कोई तसल्लुत और इख्तियार ही नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उस शैतान को अपना सरपरस्त बनाते हैं। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना, और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम कुरान खुद घड़ते हो। असल बात यह कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से ना वाकिफ हैं। उनसे कहो, इसे तो रूहुल कुद्स ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया था। आपको पता है ना कि कुरान सिंगल सिटिंग में नाजिल नहीं हुआ था, और वो मुश्रिकीन मक्का या मदीना के यहूदी जो ईमान नहीं लाते थे, उनके इतराजात में सबसे पहला इतराज ही ये होता था कि अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, सारा इकट्ठा ही नाजिल कर देता। ये नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला मिनजालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन घड़त है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा घड़ के ना रोज पेश करते रहते हैं। कुरान बतदरीज नाजिल हुआ था 23 साल के दौरानिए में, ताकि ईमान लाने वालों के लिए ईमान को पुख्ता करें और फरमा बरदारों को ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और उन्हें फलाह और सआदत की खुशखबरी दें। हमें मालूम है कि लोग तुम्हारे मुतालिक ये भी कहते हैं कि इस शख्स को, किस को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालाँकि उनका इशारा जिस आदमी की तरफ है उसकी तो ज़बान अजमी है और ये तो साफ अरबी ज़बान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयात को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक ही नहीं देता, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। झूठी बातें नबी नहीं घड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि झूठ वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयात को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। असल में ये एक और एतराज़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि एक तो वो कहते थे आप घड़ लाए हैं, लेकिन वो जब ऐसा माफिया था कि वो जो एतराज़ घड़ते थे ना, एतराज़ लगाते थे, फिर वो पूरा उसका प्रोपेगेंडा बनाते थे, उन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ था। वो कहते थे कि घड़ते कैसे हैं, वो ये कहते थे, एक तो उन्होंने ये हवाला दिया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ, वो राहिब जो था बहीरा राहिब पादरी ईसाइयों का, उसके पास जब गए थे तो आपने वहाँ पे ये अल्लाह का कलाम सीख लिया था और बस उसी को
आप देखें कि बचपन में एक छोटा सा बच्चा, वो उस उम्र के अंदर जब अभी नबूवत भी नहीं मिली थी, वो एक पादरी के पास गया और उस वक्त उसने सीखा, और बाकी वो जो छोटी सी एक ब्रीफ से निशिस्त हुई उसके साथ वो सारी जिंदगी घड़घड़ के सुना तर, कैसी इरेशनल और अनप्रैक्टिकल सी बात। और फिर एक और जो एतराज होता था वो ये कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले किताब के उस जमाने के जो यहूदी और ईसाई हैं, मोस्टली यहूदी जो हैं क्योंकि मदीना में यहूदी ही थे, उनके जो गुलाम हैं, और नाम भी लेते थे हिबर, यसार, याइश, बलान, ये चार पांच यहूदियों के गुलामों के नाम लेते थे, कि आप रातों को चुपके चुपके इनके पास तशरीफ ले जाते हैं और उनके पास जाके उनकी इल्हामी किताबों के बारे में सीखते हैं, और फिर नाउजुबिल्ला रातों को उनको थोड़ा सा रद्दो बदल करके, उनको मॉडिफाई करके सुबह वही बना के पेश कर देते हैं। बहुत ही बड़ा सा इन्होंने साजिश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मामला जो है वो इख्तियार किया था। हालांकि ये भी बिल्कुल एक कोई पॉइंटलेस और बेसलेस और इलॉजिकल सा इतराज था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी बात, जिस हिकमत की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा गया था, आप उम्मी थे, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, आप किसी के पास जाके सीख के फिर उसको एक जबान में अरबी में ट्रांसलेट करना, और फिर अहले किताब की किताबें जो हैं वो तो इब्रानी में थी, आप जिनको लिखना पढ़ना अरबी भी नहीं आता वो अहले किताब के पास जाते थे और वो कहते हैं कि वो इब्रानी सीखते थे, और फिर इब्रानी को पकड़ के तो इंग्लिश अरबी में ट्रांसलेट करते थे। ये एक उम्मी शख्स, उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, लेकिन फिर भी ये इतराज लगाते थे, बिल्कुल पॉइंटलेस और इलॉजिकल इतराज था। लेकिन आप सोचें कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उम्मी थे तो इतराजात यहां तक थे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते तो फिर कितने इतराजात होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखने में भी आपके लिए कितनी बड़ी खैर और हिकमत थी। पल्ले से बांध लीजिए, मेरे रब की तरफ से जो जो हालत हमारे लिए ज़िंदगी की पैदा होती है, जो जो महरूमियाँ भी होती हैं, उनमें कोई ना कोई खैर और हिकमत मेरे रब की तरफ से ज़रूर पिन्हा और कार फरमा होती है। अल्लाह हमें हर हाल में राज़ी बरज़ा रहने की कता फरमा। जायज़ हदूद में कोशिश और मेहनत करने के बाद राज़ी बरज़ा रहने वाला खुशनसीब बना। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करेगा, अगर वो मजबूर किया गया और दिल उसका ईमान पर मुतमईन हो तो तब खैर है, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया उस पर तो अल्लाह का गजब है, और ऐसे सब लोगों पर बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया, और अल्लाह का कायदा यह है कि वो उन लोगों को राह रास्त दिखाता ही नहीं है जो इसकी कुफरान नेमत करते हैं। यहाँ पर अल्लाह अपना एक असूल बता रहे और एक लचक और सहूलत बता रहे कि एक शख्स अगर दुश्मनों और काफरों और मुशरिकों के हवाले एक मुसलमान हो गया और उन्होंने उसको बहुत ही मारा पीटा और अजियत का शिकार किया और मजबूर किया कि वो कलमाए कुफर कहे, इस जुल्म की अंधेर नगरी में, और इस जुल्म की नगरी में अल्लाह सुबहाना ताला उसको मजबूरी की हालत में, जब दिल में ईमान है तो उसको कलमाए कुफर कहने की इजाज़त दे रहा है। ये असल में हयाते तैयबा में वाकया जो है वो पेश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला के वाक़े के हवाले से। हज़रत अमार बिन यासिर, ये वो ख़ानदान है जो साबरों का ख़ानदान है, और जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सब्र करो अहले आले यासिर, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। तो हज़रत यासिर के बेटे हज़रत अमार रजी अल्लाह तआला, इनका वाक़या है कि इनको मुशरिकीन मक्का ने पकड़ा और बहुत ही पीटा और मारा और कलमाए कुफर कहने पर मजबूर किया, और इस मुश्किल की हालत में उन्होंने ज़बान से कलमाए कुफर कह भी दिया, और फिर कहने के बाद ना रोते बिलखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और क्या फरमाते, फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, यदि मुझे इतना मारा इतना पीटा, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा जब तक मैंने कलमाए कुफर ज़बान से नहीं पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही फरमाया कि जब तुझे इतना मारा और पीटा जा रहा था, कैफता जितुका कल्बिका, उस वक़्त तू अपने दिल की क्या हालत पाता था कि जब तूने मार पीट के बाद तूने ज़बान से कलमाए कुफर बोला था तो तेरे दिल की हालत क्या थी। तो उन्होंने फौरन ही हजरत अमार ने कहा मुतमईनम बिल ईमान, कि मेरा दिल तो मुतमईन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन आदु फ़ऊद, कि अगर वो दोबारा ये काम करे ना तो फिर तू भी दोबारा ऐसे कर लेना। और ये इसी आयत के हवाले से था। लेकिन कल हमने देखा था
کہ صحابہ اکرام کو اس مشکل حالت میں کلمہ کفر پکارنے کی اجازت دے دی گئی تھی جب دل ایمان کی حالت میں تھا، کیونکہ اصل بات تو دل کی اصلاح ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام صرف صبر نہیں عزیمت کے پیمانے پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ کل آپ کو میں نے سنایا تھا نا، اس مجبوری کی حالت میں بھی کلمہ کفر نہیں پکارا تھا، جان بچانے کے لیے واطل کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ کمپرومائز ریکنسائل نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ہمارے لیے عظیمت کے نمونے رقم کیے، ان کی عظیمت کی روداتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد راہ حق میں ہم سب کے لیے صبر کرنا آسان کر دے۔ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو درگزر فرمانا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں زندگی کو پسند کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوبے ہیں، ضرور یہ کہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے جاتے ہیں تو وہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، راہ خدا میں سختیاں جھیلتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، غور سے پڑھیے گا، ایک بستی تھی، ایک قوم تھی، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت کھلا سرپلس رزق پہنچ رہا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں، ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، امن سکون دیا، لیکن اس نے نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس قوم سے ملتا جلتا رویہ اگر آپ اپنے گرد نگاہ گھما کے دیکھیں تو کیا یہ ہماری قوم کی روداد نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی قوم نے غلامی کے دور میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک خطہ دے دینا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمیں ایک خطہ، ایک زمین کا ٹکڑا دے دینا، اللہ نے زمین دی، اللہ نے دو ٹکڑے خوبصورت دنیا جہان کی بہترین بستی دے دی، جس میں دریا، جس میں ندیاں، جس میں پہاڑ، جس میں سمندر، ریگستان، پاکستان، نخلستان، ہر دنیا کا پھل، ہر دنیا کا اناج، ہر دنیا کی سبزی، بہترین رزق، بہترین موسم، سب کچھ نواز دیا۔ ہمارے پاس ساحل بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریگزار بھی ہیں، سارا کچھ دے دیا، کیا ناشکری نہ تھی؟ کیا ہم نے اپنے اسلاف کے وعدے کے مطابق اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا، اللہ کے نظام کو قائم کیا؟ آج یہ ناشکری نہیں ہے کہ ہم طاغوتی نظام اور غیر اسلامی نظام اور برٹش کانسٹیٹیوشن اور انڈین پینل کوڈ کو اپنا نظام بنائے بیٹھے ہیں؟ آج یہ ناشکری نہیں ہے؟ آج یہ ناشکری نہیں ہے کہ ہم اس زمین کے ٹکڑے کو دو ٹکڑے اور دو حصے کر کے اب اس رویے اور اس ڈگر پر چل رہے ہیں کہ کہیں بلوچستان اور کہیں سندھ جو ہے اس کے الگ ہونے کی تیاری ہے؟ جب قومیں نوازی جائیں اور پھر وہ اللہ کی ناشکری کریں تو پھر اللہ ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ اے قوم ابھی بھی سمجھ جا، اللہ ہمیں پلٹنے اور اصلاح کرنے، ناشکری سے بچنے اور رب کی فرما برداری کا لبادہ اڑنے کی توفیق عطا فرما۔ بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے گا بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف وردی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
और ये जो तुम्हारी जबानें झूठ है कमात लगाया करती है ना कि ये चीज हलाल है और वो चीज हराम है, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधा करो। जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फला नहीं पाते, दुनिया का ऐश चंद रोज आए, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा। आप देखें कि बहुत दफा ये सुनने में आता है कि जनाब फला चीज जो है, खाने की चीज जो है, वो गैर जबी के ऊपर बिस्मिल्ला पढ़ लो और झटके के गोश्त के ऊपर बिस्मिल्ला पढ़ लो और फतवा जो है वो जामे अजहर का मौजूद है। याद रख लीजिए, जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है फिर उसकी हिल्लत और खुर्मत को बदलने का इख्तियार बड़े से बड़े आलिम मुफ्ती और मुज्तहिद के पास नहीं है। और अल्लाह ने जब कामिल और मुकम्मल कलाम दे दिया और इसको खत्म कर दिया उसके बाद खत्म नबूवत की मोहर के बाद, तो कुरान की हिल्लत और खुर्मत को बदलने का इख्तियार और मजाज मौजूद नहीं है। वो चीजें हमने खास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी जिनका जिक्र हम इनसे पहले तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म तो नहीं था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वो अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरे अमल किए और फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर ली। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततखिरीन रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, तो तौबा और इस्लाह के बाद तेरा रब गफूरुर रहीम है। वाक्या ये है कि इब्राहिम अपनी जात से पूरी उम्मत था, अल्लाह का मुती फरमान यकसू, कभी मुश्रिक ना था, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। अल्लाह ने उसे मुंतखब कर लिया, सीधा रास्ता दिखाया, दुनिया में उसे भलाई दी और आखरत में वो यकीन सवालहीन में से होगा। फिर हमने तुम्हारी तरफ एक वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके पर चलो, वो मुश्रिकों में से ना था। रहा सब, तो वो तो हमने लोगों पर मुसल्लत किया था जिन्होंने इसके अहकामात में इख्तिलाफ किया, और यकीनन तेरा रब कयामत के रोज इन सब बातों का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो बस अब क्या करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तवस्सुल से मुझे और आपको भी हुक्म दिया जा रहा है, अब क्या करो, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, दावत दें, जो सुनते हैं लोगों को सुनाएं। अल्लाह मुझे और आपको दावत कुरान का हुक्म दे रहा है, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। कैसे दो? हिकमत से। याद रखिएगा, गैर हकीमाना और भोंडी दावत जो है वो भी दावत को बहुत नुकसान देती है। हिकमत से, मोहब्बत से, और कैसे? उम्दा नसीहत के साथ, मौइज़तिल हसना। वो तुम्हारी दावत का अंदाज हो कि तुम्हारे रवैयों में, तुम्हारे अखलाक में, तुम्हारे मामलात के अंदर खुसन। और फिर जब तुम दावत दो तो बस औकात लोग रिएक्ट करेंगे, थोड़ी सी रिटालिएशन होगी, मुबाहिसा होगा। तो फिर क्या करो कि अगर लोग तुमसे मुबाहिसा करें, वजादिल हुम बिल्लती हिया अहसना, फिर बदअखलाकी, बदजबानी, गाली गलोच, दू बदू, बहस तकरार नहीं होगी। लॉजिकल, रैशनल, हुस्न अखलाक के साथ बात होगी और कुरान और हदीस की दलील के साथ नरमी और आसानी के साथ बात करो। तुम्हारा रब भी ज्यादा जानता है ना कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह राज पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस इसी कदर लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई है। ये भी याद रखिएगा, इस आयत से ये वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि कुरान में बदला लेने की इजाजत है। यानी एक शख्स पर कोई जुल्म करता है, ज्यादती करता है, उसको मारता है, पीटता है, किसी शक्ल में जुल्म करता है, तो इस कुरान की आयत की रूह से और दफा भी कुरान में आएगा, बदला लेने की इजाजत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, फ़ाइन तातदू फातदू अलैही बिमिस्ली मा अक्तदाकुम, कि अगर तुम पर कोई ज्यादती करता है तो उस पर ज्यादती करो, लेकिन कितनी करो? जितनी तुम पर की गई है। ये बात समझ लीजिएगा कि अगर किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो वो बदला तो ले सकता है, लेकिन कितना लेना है? बराबर लेना है। और होता क्या है कि जब इंसान, एक शख्स मजलूम है और वो मारा पीटा सताया जाता है और फिर वो इंतकाम लेने लगता है और बदला लेने लगता है, तो गुस्से की हालत में होता है। और गुस्सा वो आग है कि जिस अपने नफ्स का काबू जो है वो थोड़ा सा डिरेल और डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहते हैं ना, तैश में खौफे खुदा ना रहा। तो क्या है, बदला इसीलिए नहीं लेना। क्यों नहीं लेना बदला? कि कहीं बदला और इंतकाम लेने के चक्कर में अगर हम बदला लेने के चक्कर में जालिम से ज्यादती कर गए और जितना हमारे साथ ज्यादती हुई थी उससे बढ़ गए, तो फिर रोल्स रिवर्स हो जाएंगे, फिर मजलूम जालिम और जालिम मजलूम बन जाएगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुल्म से बचो क्योंकि कयामत के दिन जुल्म अंधेरों की शक्ल में आएगा। ये कब्र के अंधेरे होंगे, ये जन्नत पुल सिरात के अंधेरे होंगे, ये जहन्नम की कोठरियों के अंधेरे होंगे जुल्म के बदले। तो लिहाजा अगर बदला लें तो बराबर लें। और मैं फिर बता रही हूँ, ये बराबरी करना बदले में बहुत मुश्किल है। मसलन आप सोचें ना, जस्ट पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन, अगर एक शख्स ने हमें एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ रसीद किया और हमें गुस्सा आया और हम वापस उसको थप्पड़ रसीद करने लगेंगे, तो ये आप 100% जानती हैं कि फिर अव्वल तो थप्पड़ टाइट्रेटेड उतने जोर का लगेगा नहीं, और अव्वल एक भी नहीं लगेगा। जब मान लगेंगे ना तो अच्छे वाले 2-3-4 लगा जाएंगे। तो अगर एक मारने वाले को 2 या 4 लगा दिए, या आहिस्ता मारने वाले को जरा से ज्यादा जोर से लगा दिए, तो फिर वो बदला लेने वाला जालिम बन जाएगा। हम इतना टाइट्रेट करके बदला नहीं ले सकते, तो लिहाजा बदला ना ही लें तो बेहतर है। जब्त नफ्स, गुस्सा जब्त करना और पीना तो वैसे जन्नतियों की सिफत है, इंशाल्लाह सूरह आल इमरान में बात करेंगे। लेकिन ये याद रख लीजिए कि माफ कर देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहते हो कि माफ किए जाओ तो माफ कर दो। अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह के बंदों को माफ़ करता है, इंशाल्लाह अल्लाह कयामत के दिन उसको माफ़ करेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र से काम किए जाओ, और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह की तौफीक से है ना। इन लोगों की हरकतों पर रंज ना करो और ना उनकी चालबाजियों पर दिल तंग करो। अल्लाह उन लोगों के साथ है। किन के साथ है? अल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, तकवा करने वाले और एहसान करने वाले। अल्लाह सुबहाना ताला हमें खौफ खुदा अता फरमा दे, हमें मुत्तकी परहेजगार बना दे, और अल्लाह हमारे अखलाक हमारे मामलात में बेहतरीन हुसन अता फरमा दे। सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है, 12 रकुआत और 111 आयात, तरतीब के एतबार से 17th नंबर पर आने वाली सूरत है, नजूली एतबार से 50th नंबर पर, और आयत नंबर 4 में वक़ज़ैना इला बनी इसराइला, बनी इसराइल के साथ एक वाक्या और एक रुदात का तस्करा, तो उस हवाले से इस सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल। इसके अलावा इसका एक और नाम सूरह अल इसरा भी है। इसरा रात के सफर को कहते हैं, चूंकि बिल्कुल इब्तदाई आयत में उस सफर का तस्करा है, इसलिए सूरत को सूरह अल इसरा कहकर भी पुकारा गया है। और शान नजूल अगर देखा जाए तो ये मक्का का बिल्कुल आखिरी दौर है जिसमें यह सूरत नाजिल। अगर अभी पिछली सूरतों की लड़ी देखें तो मक्की सूरतों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत थी, हमने सूरह रात में पढ़ा, अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि वो जो मुखालिफत से झाग उड़ता है ना, उसकी फिक्र ना किया करो, वो उड़ जाएगा और वो मादनियात और मुफीद चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद अगली सूरत में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें यह तरीका कार सूरह इब्राहिम में सिखाया कि जब लोग तुम्हें तंग करें और तुम्हारा दिल तंग हो तो क्या करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, का तुम अल्लाह की तस्बीह करो, और क्या करो, वस्जुद और सजदा करो, और क्या करो, वअबुद रब्बा का हत्ता यातिया कल यकीन, और अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। और हमने हजरत खुबैब बिन अदी का वाक्या सुना, और फिर हमने अब सूरह नहल में देखा कि उनको तबलीग करो, उनको दावत दो, उनके साथ अच्छे तरीके से मुबाहिसा करो, और अगर वो ज्यादती करें तो बराबरी का बदला तो ले सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये मुश्किल और तकलीफ का पीरियड है जो अब तक गुजर चुका है। सूरह बनी इसराइल हिजरत से 1 साल पहले 12 सन नबूवत में नाजिल हुई है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का पीरियड गुजर चुका है, और ये वो पीरियड है जब आप देखें कि शोबे अबी तालिब में महसूर हुए, उसके बाद हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील हुई, 10 सन नबूवत में हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौत हो जाती हैं, आमुल हुज़न गम का साल आप पर टूट पड़ता है, आप ताइफ की सफर इख्तियार करते हैं, वो भी इनकार करते हैं। अब इतनी मुखालफत और इतनी अपोजिशन है और इतनी जुल्म की चक्की है, उस वक्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदात करवाए गए और वो मोजज़ात दिखाए गए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की मजबूती और आपको ढारस देने के लिए ये मोजाना तौर पर शबे मेराज का वाक्या जो है वो रूनुमा हुआ 12 सन नबूवत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में। उसी की रुदात सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई आयात में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير انه هو السميع البصير. سميع اور بصیر رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ شب معراج کی روتاد اور اس کا تصور قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے. 27 رجب 12 سن نبوت میں یہ واقعہ رونما ہوا. قرآن میں اس کا جواز اور اس کا ثبوت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ملتا ہے. اس کے علاوہ 25 صحابہ اکرام کی روایات سے صحیح احادیث سے پورے سفر معراج کی ایک مکمل روداد وضاح ہوتی ہے. پورے کے پورے سفر معراج کی ایک مکمل روداد جو ہے وہ وضاح ہوتی ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 25 صحابہ اکرام کی صحیح احادیث کے ذریعے یہ سفر معراج کی روداد جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا. اور مختلف احادیث میں اس سفر کے مختلف قصے پارٹس بتائے جائیں گے. ان سب کو جوڑ کے میں آپ کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ہی واقعے کی شکل میں یہ واقعہ اس کا خلاصہ سناؤں گی. لیکن یہ واقعہ جو ہے اس پر بہت سے لوگوں کے اختلاف رائے ہیں, اس دور میں بھی تھا اور اب تک ہیں. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب یہ معراج کا جو سفر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے مشاہدے کی شکل میں کروایا گیا تھا. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ بہت سے مشاہدات کروائے جاتے تھے, تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ خواب کا مشاہدہ ہے. پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی سفر تھا, ایک اسپرچول سفر تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہپنوٹائز وغیرہ کر لیتے ہیں, اور ایک اسپرچول سفر جو ہے وہ اختیار ہوا اور یہ آپ کو روحانی طور پر سفر کروایا گیا اور آپ کا جسمانی سفر نہیں تھا. اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں حقیقتیں درست نہیں ہیں اور یہ دونوں آراء درست نہیں ہیں. یہ سفر جسمانی سفر تھا, نہ یہ خواب کا مشاہدہ تھا اور نہ ہی یہ روحانی سفر تھا, یہ جسمانی حقیقی سفر تھا. کیسے پتا چلتا ہے؟ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل ہی دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. اے لوگوں, یہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں تھا؟ ہاں, یہ بشری تقاضوں پر ہیومنلی تو پاسبل نہیں ہے. تم میں سے کوئی نہ خود کر سکتا ہے, نہ کسی کو اتنی جلدی ٹرانسپورٹائز اور انرجائز کر سکتا ہے, لیکن اللہ پاک ہے. اللہ تمہاری کمیوں تمہاری شارٹ کمنگ سے پاک ہے. اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. تو سبحان اللہ جی کہنا ہی اس بات کا ثبوت اور اس بات کا پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیومن ڈیفالٹ سے پاک ہے. اینڈ اٹ واز ویری ویری پاسبل فار اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو ٹیک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو جنہ اینڈ گیٹ ہم بیک. اور پھر اللہ نے فرمایا اسرا بھی عبدی, لے گیا راتوں رات. تو یہ پریکٹیکلی ہیومنلی لیا جا رہا ہے. اور کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے گیا, مسجد الاقصا. اقصا کہتے ہیں دور کو, کیونکہ مکہ مدینہ سے بہت دور تھی اس لیے مسجد اقصا کہا جاتا تھا بیت المقدس کو. تو ایکچولی فزیکلی ٹرانسپورٹ ہونے کا تذکرہ اس آیت سے ہی پتا چل رہا ہے. یہ جسمانی سفر تھا. اس کی روداد اگر میں آپ کو مختصراً سناؤں, پھر دوہرا لیجیے, 12 سن نبوت, 27 رجب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں پھر دہرا رہی ہوں کہ یہ مختلف احادیث میں سے جو پارٹس ہیں وہ لے کے میں اس کو سم اپ کر کے ایک کنٹینیوس ایونٹ بنا کے آپ تک پہنچا رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. رات کو آپ سوئے ہوئے تھے, چھت کھلی, حضرت جبرائیل تشریف لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے خانہ کعبہ کے حطیم میں لے جایا گیا, اور وہاں پر شک کے صدر آپ کا سینہ مبارک حضرت جبرائیل نے کھولا. اور یہ شک صدر کا واقعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 دفعہ, لیکن میں یہ واضح طور پر بتاتی جاؤں کہ صحیح احادیث سے شک صدر کا واقعہ صرف 2 دفعہ حیات طیبہ میں ثابت ہے. ایک وہ موقع جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت سعدیہ حلیمہ کے پاس رضاعت کے لیے اور فیڈنگ کے لیے آپ کو چھوڑا ہوا تھا, اور آپ چھوٹے سے بچے تھے اور اپنے
एक भाई या बहन के साथ आप बाहर खेल रहे थे तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए थे और आपका सीना मुबारक खोला था और आपके सीने मुबारक में से आपके कल्बे मुबारक को धोया था और सीना बंद कर दिया था। वो भाई या बहन जो है वो हजरत हलीमा के पास गए कि इस तरह कोई दुश्मन ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा किया है, और हजरत सादिया बहुत परेशान हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा के पास वापस ले गई, लेकिन उन्होंने फिर पलटा दिया। बहरहाल एक वो वाक्या सही हदीस से साबित है और ये दूसरा शक्के सदर का वाक्या, जब कल्बे मुबारक को एक सोने की तश्तरी में जमजम भर के हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को धो दिया और फिर इसको बंद कर दिया। ये शायद उस दौर के लोगों के लिए तो मानना और समझना और उस पर ईमान लाना मुश्किल था, लेकिन मेरा ख्याल है आज के दौर में आप बाकी तरक्की याफ्ता कौमों को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे शहर लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ओपन हार्ट सर्जरीज एक इंडस्ट्री की तरह हो रही है। सुबह 8 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक थिएटर डे के अंदर मेरा ख्याल है कि 30 से 40 ओपन हार्ट सर्जरीज खटाखट हो रही है। तो अगर दुनिया में कार्डियक सर्जन ओपन हार्ट सर्जरीज करके खोल के चेस्ट केज को बंद कर सकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक के सदर ला रईब फी, इसमें कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद की जरूरत ही नहीं। शक के सदर सीना बंद करने के बाद हजरत जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया, क्योंकि ये सारे का सारा काम जो है वो नीम बेहोशी और नीम नींद की हालत में हुआ। उसके बाद आपको जगाया गया, आप जब खड़े हुए तो एक सवारी जिसका नाम बुर्राक, बुर्राक का मतलब है बर्क रफ्तार और मुबालगे की तरह बर्क रफ्तार। जस्ट इमेजिन, एक बर्क रफ्तार आज लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड वाली सवारी के ऊपर सवार करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सफर कराना अल्लाह सुभान व तआला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बुर्राक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक के हवाले से फरमाया कि यह सफेद रंग का था, घोड़े जितना बड़ा और खच्चर की तरह की इसकी हालत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने जब इशारा किया कि आप इस पर सवार हों और आप इसकी तरफ बढ़े, तो वो बुराक जो है वो कुछ उछला, कुछ बिदका। हजरत जिब्राइल ने उसको थपकी देकर फरमाया कि देखो, ना तुम पर आज से पहले कोई ऐसी हस्ती सवार हुई है ना आज के बाद कोई, या पहले भी अंबिया इस पर सवार हुए थे, हज़रत सुलेमान और हज़रत इब्राहिम का इस पर सवार होने का तस्करा हमें कुछ अहदीस से मिलता है, और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम नबियों के सरदार होने का भी हवाला मिलता है, और फिर ये कि आप खातमुल अंबिया है, क्योंकि अब हज़रत जिब्राइल ने फरमा दिया इनके बाद भी कोई हस्ती सवार नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, आपको आसमान की सैर में सबसे पहले मदीना की बस्ती दिखाई गई, और हज़रत जिब्राइल ने ये 12 सने नबूवत में हिजरत से 1 साल पहले फरमा दिया, ये वो बस्ती है जहां आप हिजरत करके आएंगे। मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दिया गया हिजरत से 1 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहेतूर, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना ताला से हम कलाम होते थे, क्योंकि अभी अल्लाह सुबहाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये शर्फ बख्शना है, तो कलीमुल्लाह से गोया होने वाला वो पहाड़ जो है वो दिखाया गया। और फिर उसके बाद वो बैतुल लहम, वो जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो वलादत हजरत मरियम के हवाले से हुई, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह मरियम में, वो दिखाई गई। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ और मुशाहिदात इस आसमान की फ्लाइट में करवाए गए। हाँ जी, ये बताती चलूं कि जो शबे मेराज का वाक्य है इसके दो हिस्से हैं, एक इसरा वो रात का सफर, दिस इज फ्रॉम मक्का टू बैतुल मक्दस, और फिर मेराज जो बैतुल मक्दस से 7 आसमान एंड बैक वो मेराज है। ये मैं इसरा का पार्ट बता रही हूँ। ये इस वाले पार्ट में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीजें दिखाई और पेश की गई आपके मुशाहिदात। आपको पहले एक प्याला दूध का पेश किया गया, शराब का प्याला पेश किया गया, आपने इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, फिर दूध का प्याला पेश किया गया, आपने इसको इसको पकड़ा भी और इसको नोश भी फरमाया। से नो टू शराब और शराब की हुर्मत का पैगाम, और दूध मशरूब फितरत और बेहतरीन मशरूब है। फिर आपको एक शख्स ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया और दावत दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। पूछा गया ये कौन था, बताया ये यहूदी था, वो आपको यहूदियत की तरफ बुला रहा था, लेकिन से नो टू ज्यूइज्म, कोई फॉलो नहीं किया जाएगा, जो तुम में से किसी गैर कौम की मुशाबहत करता है वो गोया उन्हीं में से है।
उसके बाद आपको एक शख्स ने अपनी तरफ दावत दी, आपने फिर उसकी दावत पर कबूल नहीं की और उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। ये ईसाई था, आपको ईसाइयत की तरफ माइल कर रहा था। से नो टू क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस के तरीके और उनके अंदाजों को इनकार करने का पैगाम ये शबे मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फिर आपको एक औरत दिखाई गई जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ माइल किया, दावत दी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं की। बताया गया ये दुनिया और उसकी रानाइयां और उसका हुसन और रंगीनियां थी। फिक्रे आखरत, दुनिया से गिना, जुहद और दुनिया से बेपरवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फिर एक बूढ़ी औरत दिखाकर बताया गया कि ये दुनिया की जिंदगी और उसकी हकीकत है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़द्दस पहुंचे और वहां पे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे। आपने इमामत करवा के तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई। गोया क्या था, आप तमाम अंबिया के सरदार हैं और फिर ये के तमाम अंबिया का दीन दीने मोहम्मदी दीने इस्लाम है। उसके बाद एक सीढ़ी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान तक चढ़ाया गया। पहले आसमान पर पहुंचने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी। आसमान के दरवाजे पर फरिश्ते ने पूछा कौन, हज़रत जिब्राईल ने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया क्या अल्लाह ने बुलाया है। गोया आसमान की हिफाजत इतनी टाइट है कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़न और मर्जी के बगैर कोई उसमें चढ़ और दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत जिब्राईल ने तस्दीक की, दरवाजा खोला गया। हज़रत जिब्राईल समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक से दूसरे और तीसरे और चौथे आसमान पर चढ़ते चले गए और हर आसमान पर आसमान के जो फरिश्ते हैं उन्होंने ऐसे ही सवाल और ऐसे ही मकालमे किए। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की। पहले आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा। ये कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फरमाया कि मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखने के बाद फरमाया मरहबा वेलकम ए बेटे। और फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो शख्स, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने दाएं तरफ देखते थे तो वो मुस्कुराते थे और खुश होते थे और जब अपनी बाईं तरफ देखते थे तो वो रोते थे। आपको बताया गया उनकी दाईं तरफ वो लोग थे जो उनकी बनी नौ आदम में से नेकोकार थे और असहाबुल यमीन में होंगे, उनका दामा या माल उनको उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अपनी नस्लों में से नेकोकारों को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होते थे। बाईं जानिब असहाबुल यमीन थे, असहाबुल शमाल थे, ये वो लोग थे जिनका नामा अमाल उनको उनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। गुनाहगार नाफरमान लोगों को अपनी औलाद में देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते थे। अल्लाह हमें हंसने और रोने के ये पैमाने समझा दे। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने चौदहवीं के चांद की तरह हसीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि उनसे मुलाकात की। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और इंशाल्लाह याद रखिएगा मैं इसको रेफर करूंगी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात भी चौथे आसमान पर ही हुई थी। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके घुंघरियाले बाल थे और गंदमी रंगत थी। और फिर उसके बाद सातवें आसमान पर आपने फरमाया कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा कि जो मेरे हमशबी थे। ये कौन था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा कि ये बैतुल मामूर के साथ, जो खाना काबा के बिल्कुल मेरे रूम ऊपर इमारत है, जो तुम्हारे दुनिया में बना गए थे, अब सातवें आसमान पर उसी से टेक लगा के वो जो घर बनाया था ना हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब बुनियादें उठाई थी, अल-क़वाइदु मिनल बैत व इस्माईला, तो उस वक्त उस घर से मोहब्बत और बैतुल मामूर के साथ टेक लगा कर बैठे हैं। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर फरमाया मरहबा ए बेटे। बाकी सारे नबियों ने मरहबा या अखी वेलकम ए भाई कहा था और हजरत इब्राहिम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा ए भाई कहा। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम के मुशाहिदात करवाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुशाहिदात जो मैं शेयर करूं, आपने कुछ लोग देखे जो खेती काटते थे, वो खेती अपनी काटते थे और खेती काट के बैठे हुए होते थे तो उनकी खेती फौरन बढ़ जाती थी।
कितना खुश हो ना ऐसा किसान कि जो खेती काटे कितनी मेहनत मशक्कत के साथ खेती लगती है और कटने का दिन कामयाबी और खुशी का दिन होता है। लेकिन ये खुश नसीब किसान थे जो खेती काटते थे, बैठते थे और फौरन आनन फानन खेती उग जाती थी। बताया गया ये उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन हैं जो अपने जानों से, अपनी मालों से, अपनी जबानों से, अपने कलमों से किसी तरीके से जिहाद करते थे। इनके लिए अजर का ना खत्म होने वाला एंडलेस नाम उतना ही सिलसिला। फिर आपने एक शख्स देखा जिसने लकड़ियों का एक गट्ठा उठाया हुआ था और वो खुल जाता था, वो खुले हुए गट्ठे को जमीन पर रखता था और हर दफा उन गट्ठे को बांधने से पहले कुछ और लकड़ियां उस गट्ठे में डाल लेता था। ये हिरस और हवस था ना, पहली लकड़ियां उठाई नहीं जा रही और फिर से बांध कर सीधी करने से पहले मजीद लकड़ियों में इजाफा कर लेता था और ये यही अमल कर रहा था। ये वो हरीस, वो लालची बंदा जो अपनी जिम्मेदारियां पहले ही पूरी नहीं कर सकता और मजीद जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ाता महज इसलिए जाता है कि ज्यादा मुनाफा और ज्यादा बरकमाल जो है वो चाहता है। मसलन आप कई दफा देखते हैं कि खवातीन जो काम करने वाली, घरों में काम करने वाली खवातीन जो होती हैं, उनसे दो घरों का काम होता नहीं और तीन चार और पकड़ लेती हैं सिर्फ माल और तनख्वाह के चक्कर में, हालांकि इंसाफ और अदल किसी एक के साथ भी नहीं कर सकती। एक उस्ताद जो है वो ट्यूशन में उससे तीन और चार बच्चे संभाले नहीं जाते और वो 15 बच्चे बिठा लेते और किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, खयानत भी करता है, बदहदी भी करता है। एक डॉक्टर है, मरीज नहीं देख सकता, वो दो नहीं तो चार मरीज देखे, आठ नहीं तो सात मरीज देखे, लेकिन वो 20 मरीजों को अपॉइंटमेंट देके सबको पांच पांच दस दस मिनट देके तवज्जो और गैर इत्मीनान के तरीके के साथ उनका इलाज करता है। ये वो सारे लोग हैं जिनको ये सजा दी जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़े से पत्थर में एक शिगाफ हुआ, शिगाफ में से वो बैल निकला और फिर वापस वो उस टकरे मार के उस पत्थर में वापस दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बताया गया ये वो शख्स था जो जिंदगी में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही और केयरलेस एटीट्यूड के साथ लोगों का मजाक तो उड़ाता था लेकिन फिर उसके बाद नादिम और पशेमान होकर उसको अंडू करने की कोशिश करता था लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकता था। फिर आपने कुछ और अफराद देखे कि फरिश्ते जिनके होठों को और उनकी जबानों को कैंचियों से काट रहे थे, ये वो लोग थे जो बिला तकल्लुफ बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तकल्लुफ और तरद्दुद के लोगों की आबरू जनी करते थे, उनकी इज्जतें खराब और बर्बाद करते थे। फिर कुछ लोग देखे कि जिनके होंठ ऊंटों जितने बड़े थे, ये वो लोग थे जो यतीम का माल खाते थे। और फिर बहुत हैबतनाक नजारा कि आपने कुछ अफराद देखे कि जिनके नाखून सुर्ख तांबे के, रेड हॉट तांबे के, दहकते हुए तांबे के थे, जिसके साथ वो अपने चेहरों और अपने सीनों का नोच नोच के गोश्त खा रहे थे। ये चुगलियां और गीबतें करने वाले लोग थे। फिर कुछ लोग आपने देखे जिनके पेट बहुत घड़ों और मटकों जितने भरे बड़े थे और वो सांपों से भरे हुए थे और लोग उनके पेटों के ऊपर से कुचल कुचल के जा रहे थे। ये सूद खाने वालों का अंजाम था। एक खून की लाल रंग की सुर्ख नदी में कुछ लोग तैर रहे थे, बड़ी मुशक्कत से वो नहर को अबूर करके किनारे पर पहुंचते थे। फरिश्ते किनारे पर खड़े हुए उनके मुंहों को खोल के उनमें आग के पत्थर डाल के उनको वापस उस नदी में धकेल देते थे। ये भी सूद खाने वाले थे। एक शख्स जिसके सामने साफ सुथरी थाली में साफ सुथरा गोश्त और एक थाली में गंदा गला सड़ा गोश्त था, ये साफ गोश्त छोड़ के गंदा गला सड़ा गोश्त खाने वाला कौन था? ये जानी था जो अपने जायज और हलाल तरीके से मिलने वाले निकाह के अजवाज को छोड़ के जिना का इर्तिकाब करता था। फिर आपने कुछ औरतें देखी जिनको छातियों के बल लटकाया गया था, ये अपनी किसी और की औलाद को किसी और के साथ मंसूब करने वालियां थी। बहुत से गुनाहों की सजा और बहुत सी नेकियों का अजर दिखाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे तन्हा, हज़रत जिब्राइल पीछे रह गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे अल्लाह की मुलाकात के लिए पेश किया गया। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बात की थी लेकिन देखा नहीं था। अकीदे को दुरुस्त रखिएगा। आज कुछ उलमाए इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत के तकाजों से बुलंद करने के लिए ये साबित करते हुए नजर आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज के मौके पर अल्लाह सुभान ताला को अपनी आंखों से देखा था।
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत से हदीस आती है कि उनसे किसी ने पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज पर अल्लाह सुबहाना ताला को देखा? तो हमारी माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस बात से जो तुमने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहाना ताला को देखा था। फिर उन्होंने आयत पढ़ी, इन्नहु रआ, उन्होंने देखा, आयतल कुबरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने आयतल कुबरा अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां जन्नत जहन्नम और ये चीजें जो हैं वो देखी थी, अल्लाह को नहीं देखा था। ये वाज़े तौर पर सही हदीस से साबित है। बहरहाल वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से सूरा बकरा की आखिरी दो आयात दी गईं, फिर 50 नमाजें फ़र्ज की गईं, फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने उम्मत मोहम्मदी से ये वादा कर दिया कि जब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी नेक अमल करेगी तो उसको हर नेकी पर कम अज़ कम 10 गुना अजर दिया जाएगा, और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद अगर भूल चूक के कोई गुनाह करेंगे तो उन पर कोई मुआखजा और पकड़ नहीं होगी। ये कुछ इनामात देने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटाया गया, आप वापस पलटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सवाल किया कि आपको क्या दिया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 नमाजें फर्ज की गईं। वो अपनी जिद्दी और ढीठ कौम को जानने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ लौट जाओ और कमी की दरख्वास्त करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी भाई की ये मशवरा मान के वापस पलटे, नमाजें घटा दी गईं, कम कर दी गईं। हज़रत मूसा ने फिर पलटने और दरख्वास्त करने का मशवरा दिया। ये अमल कुछ रवायात में आता है कि आपने हर दफ़ा जब आप पलटते थे तो 5, कुछ में आता है कि 10 नमाजें हर दफ़ा पलटने पर कम की गईं। बहरहाल जब कम करके 5 कर दी गई तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उस मौके पर फरमाया, अब बात हमारे यहाँ पलटाई नहीं जाती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 5 लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद दरख्वास्त का मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे हया आती है। और वैसे भी फरमाया गया था कि अब ये 5 ही 50 के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ही वादा कर दिया गया था ना कि उम्मत के लिए एक नेकी का 10 गुना अजर है, तो 5 जो हैं वो 50 के बराबर बन गई। आप ये सब कुछ लेकर वापस अपने घर तशरीफ लाए और कुछ रवायात में पता चलता है कि आपके दरवाजे की वो जो चिटखनी है वो भी अभी चल रही थी, और ये कि आपका बिस्तर का लिहाफ अभी गर्म था। हज़रत उम्मेहानी रजी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुदात सुनाई, और रुदात सुनाने के बाद जब अपने से निकलने लगे तो चचाजाद बहन ने दामन पकड़ लिया और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदारा ये बात बाहर मत कीजिएगा। क्यों? कहा, क्योंकि वो कौम तो पहले ही कोई मजनू कह रही है, कोई जादूगर कह रही है, कोई काहिन कह रही है, अब तो इतराजात और लगेंगे जुनून के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अलामीन है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका का हुक्म है, जो पहुंचा है उसको पहुंचा दो का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं, मुलाकात किससे हुई? अबू जहल, ये बदबख्त, ये मुतकब्बिर, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ किस हाल में हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रुदात सुना दी। ये बदबख्त जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये रुदात सुनी, जिसको सुन के मेरा और आपका ईमान बढ़ जाता है, इसको ईमान नहीं मिला था, ये इसके तकब्बुर था, ये इसका घुमंड था, और याद रखिएगा ये घुमंड का अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुदात जब सुनाई तो फिर एतराजात की बौछाड़ हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने तस्दीक फरमाई और सिद्दीक अकबर का लकब पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रुदात की तस्दीक के लिए फिर अपने सफर जो था ना, रात का वो जो आसमान का सफर था, उसकी हकीकत और प्रूफ के लिए बताया कि हम फलां जगह के ऊपर से जब गुजर रहे थे तो हमने फलां कबीले का ऊंट देखा था, फलां काफले का ऊंट देखा था कि वो बिदक के फलां सिम चला गया था, और हमने फलां बर्तन का पानी और उसका ढक्कन जो है उसका उतार के नीचे रखा। तो वो सारी रुदादों की तस्दीक भी काफले वालों ने भी की, कबीले वालों ने भी उन हैपनिंग्स की रुदादों की तस्दीक की, लेकिन ना जिन्होंने माना था, ना उस दौर में माना, ना आज माना। अभी भी चेमगोइयां मौजूद हैं, अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आज इसमें बिदात
भी शामिल हैं। 27 रजब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल ना कोई एक्स्ट्रा इबादत की थी, ना ही रोज़ा और सदका खैरात की तरगीब दी थी, ना दिया था। ऑल व्हाट वी नीड टू डू ऑन 27 रजब इज, अगर कुछ करना है तो यह वाकया पढ़ लीजिए, इन नमाजों की तजदीद अहद कर लीजिए, जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदात को दोहरा लीजिए, अपने गुनाहों का इतराफ़ और इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लीजिए। अल्लाह हमें सुदात को समझने और ईमान पाने और अतात की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। हमने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए जरिया हदायत बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना वकील न बनाना, तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार की और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर मुतनब्बिक कर दिया था कि तुम दो मरतबा जमीन में फसाद अजीम बरपा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। अच्छा जनाब, इसी वजह से सूरत का नाम बनी इसराइल है और इसी की वजह से यहाँ पर वरुदात बताई जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की दो रुदादें जो हैं उसकी पेशिन गोई की जा रही है। बनी इसराइल की कौम ज़िद्दी, ढीठ और फिर उसकी वजह से मगदूब अल्लाह के गज़ब का शिकार थी। अल्लाह सुबहाना ताला बनी इसराइल के दो ऐसे अदवार की निशानदेही कर रहा है जहाँ वो अल्लाह की बहुत ज़्यादा सरकशी और नाफरमानी करेंगे और फिर उनकी करतूत की वजह से अल्लाह की तरफ से अजाब उनकी दुश्मन कौम की तरफ से आएगा। ये दो दफ़ा कौन सी थी? पहली दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हामिलाने तौरात ने हज़रत मूसा और तौरात और अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त फेंक दिया तो फिर अल्लाह के हुक्म से उनकी दुश्मन कौम आशूरियों ने 760 कबले मसीह का तस्करा आता है, 760 कबले मसीह में आशूरियों ने बुख्ते नसर की क़यादत में हमला किया, फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट जो है उसको बर्बाद कर दिया और सारी बस्ती को जला दिया, मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को लौंडी गुलाम बना के ले गए और तौरात के सारे सहीफ़ों को जला दिया। इसका तस्करा सूरह अल इमरान में मौजूद है। और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हज़रत उज़ैर ने बनी इसराइल के वो नबी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, चूंकि वो हाफिज़े तौरात थे तो हज़रत उज़ैर ने अपने हाफिज़े के साथ और एक मदफून तौरात का सहीफ़ा जिसका इल्म हज़रत उज़ैर को था उसके साथ फिर उन्होंने बहुत देर के बाद जो तौरात है उसकी तजदीद की, एंड दिस इज़ नोन एज रेनाइसेंस। तो लिहाजा ये 760 BC में कबले मसीह में आशूरियों की क़यादत में बुख्ते नसर ने फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजाई, बैतुल मक़दस को मिसमार किया और तौरात को जलाया और सबको लौंडी गुनाम बना के ले गया। ये पहला हमला था। उसके बाद नबियों पर नबी आते रहे, अल्लाह के अहकामात की तजदीद होती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हामिलाने इंजील ने फिर अल्लाह के रसूल और इंजील की तालीमात को पसे पुश छोड़कर नाफरमानी और सरकशी और फिस्क और फजूर का तूफान मचाया तो फिर दूसरा दुश्मन ये रूमी थे। ये 70 AD में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 70 साल बाद रूमियों ने टाइटस की क़यादत में फिर दूसरा हमला फ़लस्तीन के ऊपर किया और वही रुदात जो है वो फिर से दोहराई गई। इसकी पेशिनगोई यहाँ पर की जा रही है और तारीख गवाह है कि रुदात हकीकतन ऐसे ही हुई। ये तस्करा जो पेशिनगोई, सॉरी मैं गलत लफ्ज़ बोल गई, इसका तस्करा जो पहले तारीख पर हो चुका है उसका तस्करा कुरान में किया जा रहा है। अब इसको पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि दो मरतबा जमीन में फसाद अजीम बरपा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें पहली सरकशी का मौका पेश आया तो अल्लाह सुबहाना ताला ने तुम्हारे मुकाबले में ऐसे बंदे उठाए। कौन है? आशूरी या बुख्ते नसर 760 AD जो नहाय जोर आवर थे और तुम्हारे मुल्क में घुस गए, हर तरफ फैल गए। ये वादा था जिसे पूरा होकर रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद की और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने लिए भलाई थी और बुराई की तो वो तुम्हारे अपने लिए बुराई थी। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया, ये 70 AD है, टाइटस रूमी
वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मक्दस में इसी तरह घुस आए जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे और जिस चीज़ पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर इस साबिक रविश का अदा किया तो हम भी फिर अपनी सजा का अदा करेंगे और काफिर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। हकीकत यह है कि कुरान तो वो रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगेंगे उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखरत को नहीं मानेंगे उन्हें खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। इंसान शर उस तरह मांगता है जैसे खैर मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। रात की निशानी को हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और माहो साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज़ को अलग अलग तमीज़ करके रख दिया। हर इंसान का शगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा और कयामत के रोज हम एक नोशा उससे निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना अमालनामा, आज अपना हिसाब लेने के लिए तो खुद ही काफी है। अल्लाह फरमा रहा है कि हर एक शख्स का शगुन उसके अपने गले में है। क्या मतलब है? आप ये देख लीजिए कि बहुत से लोग चीज़ों को, दिनों को, रंगों को, जानवरों को बदशगुनी का तसव्वुर समझते हैं, यानी चीज़ों के साथ नहुसत को मंसूब किया जाता है। ये चीज़ अगर हमारे पास होगी या रहेगी तो हमें कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दुख आएगा। ये है बदशगुनी का सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट। अल्लाह फरमा रहा है तकलीफ़ों का आना, गमों, परेशानियों और बीमारियों का आना किसी दूसरी चीज़ की नहुसत और बदशगुनी के साथ नहीं है। तकलीफ़ों का, बीमारियों का और मुश्किलात का ताल्लुक तुम्हारे अपने आमाल और करतूतों के साथ है। पिछले बहुत दिनों से हम ये बात सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी कौम को और किसी फर्द को क्यों तकलीफ में मुबतला करता हूँ, उसके अपने आमाल और उसके अपने करतूतों की वजह से। तो यही अल्लाह फरमा रहे कि शगुन और तकलीफ का आने का ताल्लुक तुम्हारे अपने आमाल के साथ है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए दुनिया में भी बदशगुनी का जरिया बनते हैं और तकलीफों का जरिया बनते हैं, और क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल जो है उसको किताब की शक्ल में निकाल के तोला और हिसाब किताब किया जाएगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबें यसीरा। जो कोई राह रास्त इख्तियार करेगा उसकी रास रवि उसके अपने लिए मुफीद है। जो गुमराह होगा उसका वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक लोगों को हक और बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगाम बरना भेज दें। यह आयत अंडरलाइन कर लीजिए, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15। अल्लाह फरमा रहे कि हक और बातिल का फ़र्क बयान करने के लिए अल्लाह पैगंबर ज़रूर भेजेगा। ये क्या तसव्वुर है? ये तसव्वुर कुछ मैं आपको हदीस के हवाले से बताती हूँ। ये सवाल कुछ लोगों के जहनों को इंट्रीग और परेशान करता है, और बहुत दफ़ा कुछ लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि देखें जी, जिन लोगों तक तो नबी और रसूल और अल्लाह के पैगाम पहुंच गए, अगर वो उनको नहीं मानेंगे और कुफर और नाफरमानी करेंगे तो उनका तो गुनाह होगा और उनको तो सजा जहन्नुम की दी जाएगी, लेकिन वो लोग जिन तक अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कलाम और अहकामात पहुंचे ही नहीं और उन्होंने सुना और जाना ही नहीं कि हक क्या है और बातिल क्या है, और वो गलत काम करते रहे, तो फिर उनसे किस बात पर मुआख़ज़ा होगा? उनको सजा जहन्नुम की क्यों दी जाएगी? तो ना इंसाफी है, नाउज़ु बिल्लाह, ये ज़ुल्म है। इसका जवाब एक तो इस हवाले से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस के हवाले से हमें ये वाज़े तौर पर पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने वो वादा इलस जिसका तस्करा हम कुरान में पढ़ते हैं और हदीस में सुनते हैं, उस वादा इलस की वजह से अपनी पहचान हर शख्स की फितरत में इंस्टिंक्टिवली रखी है। और अगर वो कायनात में अल्लाह की निशानी, अल्लाह नूरु समावात, उसकी निशानियाँ देखे तो अल्लाह की पहचान उसे मिल जाती है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन बियॉन्ड दैट एक और काम क्या होगा? मसलन देखें कि इवन आज के दौर में अगर कोई शख्स अमेज़न के जंगलों में रहता है, कोई एंटार्क्टिका की बर्फ़ों में रहता है और उस तक कुरान और हदीस की तालीमात नहीं पहुंची जो कि आज के सोशल मीडिया के जरिए
मुश्किल है कि ना पहुंची हो, लेकिन फिर भी बिलीविंग इट कि अगर नहीं पहुंची तो कयामत के दिन क्या होगा। मुस्लिम में, मुस्नद अहमद में एक हदीस है, बहुत तवील हदीस है, मैं उसका मफहूम आपको समझा रही हूँ। दुनिया में वो सारे के सारे लोग जिन तक अल्लाह के अहकामात और नबियों की तालीमात और पैगामात नहीं पहुंचे होंगे, उन सारे के सारे लोगों को अल्लाह के हुक्म से उनके पास एक फरिश्ता भेजा जाएगा। और वो फरिश्ता क्या करेगा, जैसे ये कुरान मुझे और आपको अल्लाह के अहकामात, हलाल हराम, नेकी गुनाह, जन्नत जहन्नुम, सजा जजा का तसव्वुर हमें कुरान समझाता है, वो उन तमाम लोगों को जो हक और बातिल से बेबहरा रहे दुनिया की जिंदगी में, अल्लाह के हुक्म से भेजे जाने वाला फरिश्ता उनको हक और बातिल, अल्लाह की पहचान कराएगा और अल्लाह के सारे अहकामात और जन्नत और जहन्नम की पहचान कराएगा। ये सारा काम करने के बाद वो फरिश्ता इन लोगों से ये कहेगा कि अब तुम्हारा ये रब जिससे तुम्हारी पहचान करवाई गई है तुम्हें ये कहता है कि इस जहन्नम के कूद जाओ, इस जहन्नुम में अल्लाह का हुक्म मान के कूद जाओ। जो लोग अल्लाह को पहचानने और समझने और मानने के बाद इस मौके पर जहन्नुम में अल्लाह की अतात में कूद जाएंगे, याद रखिएगा दुनिया में भी तो यही होता है ना कि अल्लाह को पहचानने के बाद एक मोमिन बसा औकात अपनी जिंदगी को अजीरन और दूबर कर लेते हैं अल्लाह की इताअत में, बहुत दफा बहुत मुश्किलात आती हैं। तो वो मैदान हशर में जो लोग अल्लाह को समझने और पहचानने के बाद उस फरिश्ते की बात मानकर अल्लाह के हुक्म की अतात में उस जहन्नुम में कूद जाएंगे, तो हदीस बताती है कि फिर उनके लिए वो जहन्नुम जन्नत और बागो बहार बन जाएगी। लेकिन जो वो सब कुछ सुनने और जानने के बावजूद भी उस वक्त जहन्नुम में कूदने से इनकार कर देंगे, फिर उनको हकीकतन जहन्नुम में वासिल ब जहन्नुम कर दिया जाएगा। जब किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोग, खाते पीते लोगों को हुक्म देते हैं कि वो नाफरमानियां करने लगे, तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चस्पा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी नस्लें हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई, तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई आजला यानी दुनिया का ख्वाहिशमंद है उसे हम यहीं दे देते हैं और जो कुछ भी जिसे देना चाहें उसके मकसूम में जहन्नुम लिख देते हैं, जिससे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखरत का ख्वाहिशमंद है और उसके लिए कोशिश भी करता है जैसे कि कोशिश करनी चाहिए और वो मोमिन भी है, तो हर ऐसे शख्स की कोशिश मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हम दुनिया में तो सामान्य जीज देते जा रहे हैं, ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो दुनिया ही में हमने एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह पर कैसी फजीलत दे रखी है और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज्यादा हैं और उसकी फजीलत और भी बढ़ चढ़ कर है। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 रकू नंबर 3, अल्लाह का हतमी फैसला और अल्लाह के कुछ हतमी अहकामात बहुत अहम है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि तू अल्लाह के साथ माबूद ना बना ले वरना तू मलामत ज़दा और बेयारो मददगार होगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया, वक़ज़ा रब्बू का, रब का हतमी हुक्म, हतमी फैसला, सबसे पहले क्या तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर अल्लाह की। अल्लाह का हतमी हुक्म, अल्लाह का हतमी फैसला, तौहीद पर जमो, शिर्क से बचो। दूसरा याद रख लीजिए, अल्लाह ने कुरान में एक जगह नहीं बारहा, सूरा बकरा, सूरा निसा, सूरा बनी इसराइल, सूरा लुकमान, बारहा अल्लाह ने अपने हक के बाद सबसे ज्यादा हक वालिदैन का दे दिया, सबसे ज्यादा हक वालिदैन का दे दिया। और वालिदैन के हक में वो मोहसिन रब क्या कह रहे हैं, वह बिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान का मतलब क्या, वालदेन के हवाले से बात इंशाल्लाह और मकामात पे बड़ी वजाहत से करूँगी। आपको पता है हमारे दौरे कुरान का ये तरीका होता है कि मैं हर जगह हर टॉपिक पे बात नहीं करती, लेकिन एक टॉपिक पर पूरी कॉन्टीन्यूटी से सारे हदीस और सुन्नत के वाक़यात इकट्ठे बयान करती हूँ ताकि उस टॉपिक का पूरा फहम और समझ और शऊर और उसका टोटल इदराक आ जाए। इंशाल्लाह वालदेन के हवाले से बात और मकामात पर होगी, लेकिन यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे कि वालदेन के साथ एहसान करो, उनके हक से बढ़ के दे दो। अरे यहाँ तो हक नहीं दिए जा रहे,
अपने फर्ज से ज्यादा करो, यहां तो अपने फराइज पूरे नहीं किए जा रहे, महज उनको सुकून और राहत देने के लिए करो, यहां उनकी प्रॉपर्टियां लेने के लिए किया जाता है, यहां दुनिया की नेकनामियों के लिए किया जाता है। अल्लाह कह रहे हैं वो बिल वालिदैन एहसान, और फिर एहसान का तरीका बताया जा रहा है, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर हों तो उन्हें उफ ना कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद नबी के मिंबर पर चढ़ते जा रहे थे और हर जीने पर आमीन कह रहे थे। सहाबा ने पूछा आप किस दुआ पर आमीन कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों पर जिब्राइल ने लानत की है, मैं उस लानत की दुआ पर आमीन कह रहा हूँ। ये तीन लोग कौन से थे? वो शख्स जो रमज़ान के महीने को पाता है और अपने सारे गुनाह बख्शवाने में कामयाब नहीं होता, वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है और दरूद नहीं भेजता, और वो शख्स जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाता है और उनके जरिए से अपने जन्नत का बंदोबस्त नहीं करता, ये वो शख्स है। तो बुढ़ापे की हालत में पाए तो उन्हें क्या ना करो, उन्हें उफ भी ना कहो। दो हर्फी लफ्ज उफ कहने की इजाजत है, या कैसी कैसी सलावातें सुना दी जाती हैं, कैसे कैसे बातें और जुमले जो हैं वो कस दिए जाते हैं। अम्मा तो बिल्कुल 1950 की हो गई, अब्बा को तो बिल्कुल पता ही नहीं, अब्बा तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, अम्मा तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, और पता नहीं अम्मा तो हर वक्त खांसती रहती है, अब्बा तो हर वक्त बुड़बुड़ाता रहता है। उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़क के जवाब ना दो। मैं एक बात ज़रूरी करूंगी कि कई दफ़ा औलादें जो है ना, जब वालदेन बूढ़े और बीमार और कमज़ोर हो जाते हैं तो औलादें कई दफ़ा अपने आप को शहजादा ही कुछ सयाना सा समझदार समझ के ना वालदेन के फ़ायदे के लिए उनको डांटने लगती हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनको दवा देने के लिए। मैं आपको बताऊँ कि हम समझ रहे होते हैं हम बहुत सयाने हैं, लेकिन इतनी बेसिक बातों का उनको भी पता है। वो खा नहीं सकते तो नहीं खा रहे होते। एक बूढ़ी बुजुर्ग खातून को पता होता है कि मैं खाऊंगी तो मेरी सेहत बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं खा सक रहे होते तो नहीं खाते। लिहाजा उनको झिड़कें ना, उनको खफा ना हो, उनके साथ नाराजगी का इजहार ना करें, उनकी दवा के लिए, उनकी खुराक के लिए, किसी चीज के लिए उनके साथ सख्ती ना करें। ये सख्तियां बाद में पशेमानी और नदामत का जरिया बन जाती हैं। उनके साथ एहतराम के साथ बात करो, नरमी और रहम के सामने उनके साथ झुक जाओ और दुआ क्या करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अल्लाह सुभाना ताला, या रहमान या हनान या मन्नान, अल्लाह जिसके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन वालिदैन को हर गम से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर माजूरी से बचा लेना, हर मोहताजी से बचा लेना। अल्लाह उनको अपने अलावा किसी और की मोहताजी ना देना। या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह सुभाना ताला तू उन बुज़ुर्ग वालिदैन का उनका मुहाफिज बन जा, उनका वली बन जा, उनका निगरान बन जा। अल्लाह सुभाना ताला औलादों को वालिदैन का हक शनास बना दे। या अरहमुर राहिमीन, मुझ समेत जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह हमारे फौजशुदगान के दर्जात बुलंद फरमा दे, हमारे उन प्यारों की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह हमारे उन प्यारे मोहसिन माँ बाप की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा कर दे। अल्लाह उनको अपने सालेहीन की सफ में शामिल फरमा दे। अल्लाह सुभाना ताला, अल्लाह उनके साथ करम फरमा के उनकी छोटी बड़ी हसनात को कबूल फरमा के बढ़ा के अजर अता फरमाना। अल्लाह उनकी हर कमी कोताही को दरगुजर फरमाना। अल्लाह उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमाना। अल्लाह सुभाना ताला हमें अपने वालिदैन के लिए सदकाए जारिया बना दे, और अल्लाह हमारी ये जो आरजी सी जुदाई है इनको जन्नत की मुलाकात से दूर फरमा देना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, उनके लिए दुआ करो। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सवाले बन के रहोगे तो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आते हैं। अल्लाह सुभाना ताला ने वालदेन के हक के बाद जो अगला हक दिया, वह आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू,
कि ए कुरान पढ़ने वालों, ए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, ए शब मेराज के किस्से सुन के झूमने वालों, रिश्तेदारों को उनका हक दो, रहम के रिश्तों का हक, रहम के रिश्तों का हक बताया जा रहा है। रहम के रिश्ते कौन से हैं? माँ के पेट के रिश्ते, खून के रिश्ते, रिलेशंस ऑफ किन, ये जो हमारे सगे बहन भाई, खाला मामू, फुप्पी चचा, भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ, ये रहम के रिश्ते हैं, ये माँ के पेट के रिश्ते हैं, ये खून के रिश्ते हैं जो मिलते नहीं कहीं, इनकी मोहब्बत। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पर जहाँ पे अपना हतमी हुक्म दिया, वक़ज़ा रब्बू का अपना हतमी हुक्म दिया, वहाँ पे फरमा दिया आती ज़ल्क़ुरबा हक का हो। आज हमने सूरह नहल की आयत नंबर 90 में पढ़ा कि अल्लाह ने जहाँ हतमी हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान व ईताई ज़ल्क़ुरबा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में जहाँ अल्लाह ने अपने वादे का तस्करा किया, व इज अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना व ज़ल्क़ुरबा, फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह बकरा में आयतल बिर में जब तस्करा किया नेकियों में, पहली नेकी जो है वो ईमान की नेकी बताने के बाद अल्लाह ने पहली नेकी जो है वो क्या बताई, वह आतल माल अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में माल अपने कराबतदारों को देते हैं। और फिर सूरह निसा के शुरू में अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाहिल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, अल्लाह ने सूरह बकरा में फासिकों की सिफत बताई कि वो यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, तो याद रख लीजिए, पल्ले से बांध लीजिए, अल्लाह के हुक्म की अतात करना चाहते हैं तो सिला रहमी करनी ज़रूरी है, अल्लाह के हतमी हुक्म को मानना चाहते हैं और तस्लीम करना चाहते हैं तो सिला रहमी ज़रूरी है, नेकी करना चाहते हैं, अल्लाह के वादे को निभाना चाहते हैं तो सिला रहमी जरूरी है, तकवा के पैमाने पर पूरा उतरना चाहते हैं तो सिला रहमी जरूरी है, निफाक और फिस्क की सिफतें अपने से निकालना चाहते हैं तो सिला रहमी जरूरी है। ये वो रहम के रिश्ते हैं। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने तखलीक जब की थी कायनात, तो अल्लाह ने रहम को अपने हाथ में लेकर मुखातिब होकर फरमाया था, यह रहम रहमान से मुश्तक है, रहमान से जुड़ी हुई है, और फरमाया गया था फमन वसला का वसल तो हूँ वमन कता कता तो हूँ, रहम जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, रहम जो तुझे काटेगा मैं उसे काट दूंगा। और अल्लाह अल्लाह जोड़ने पे आए तो वो तो कुरान से जोड़ देता है, अल्लाह जोड़ने पे आए वो तो हदायत से जोड़ देता है, वो तो अल्लाह वालों से जोड़ देता है, वो तो सिलसिला अपने से जोड़ देता है, और अल्लाह काटने पे आए तो वो तो सांसों की लड़ी को काट देता है, दिलों की डोर को काट देता है, धड़कनों के सिलसिलों को काट देता है, रिस्क के जरियों को काट देता है। रहम के रिश्तों को जोड़ना सीख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कौतेउर रहम, अस्सादिक हैं, अल अमीन हैं, अगर वो कह रहे हैं तो रहम का रिश्ता काटने वाला अपना काटता है, किसी और का काटता है, बस औकात कोई अपने काट देते हैं, बस औकात किसी और के कटवाने का मशवरा दे देते हैं, बीवियां हैं अपनी कैंची की तरह चलती हुई जबानों से शोहर को अपनी बहन से कटवा देती हैं, शोहर को उसके भाई से लड़वा देती हैं, शोहर को उसकी माँ से लड़वा देती हैं, ये अपने रिश्तों से मिल रही है शोहर के कटवा रही है, ये कता रहमी है। बस औकात शोहर कर देते हैं, बीवी को कह देते हैं बहन से नहीं मिलोगी, बीवी को कह देते हैं भाई से नहीं मिलोगी, ये कता रहमी, अपनों के साथ रहे और दूसरों के कटवा दिए। ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहम, आपने फरमाया मुझे हुक्म है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ू, जो मुझे ना दे मैं उसे दूं, जो मुझे जुल्म करे मैं उसे माफ करूं। सहाबा आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल लेकर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुछ अजीज हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ वो मुझसे कटते हैं, मैं उन्हें माफ करता हूँ वो मुझ पर ज्यादती करते हैं, मैं उन्हें दरगुजर करता हूँ वो मुझ पर जुल्म करते हैं, बताएं मैं क्या करूं। हम जैसा कोई होता तो उसे कहते बदला लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जो कर रहा है तू करता रहे, तेरा ऐसा करना उनके मुंह में खाक भरना है। आपने फरमाया कि बदले में सिला रहमी करने वाला मुकम्मल सिला रहमी नहीं करता, हम तो करते ही बदले में, उसने मेरे बेटी की दावत की शादी के बाद, मैं उसकी बेटी की दावत करूंगी, उसने मेरे बच्चे को 5,000 सलामी दी, मैं उसके बच्चे को 5,000 सलामी दू, बदले में सिला रहमी करने वाला मुकम्मल सिला रहमी नहीं करता। और फिर हदीस में वादा है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी लंबी हो और उसकी माल में बरकत और फराखी हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। आज उम्रें घटती जा रही है, 40 सालों की उम्र के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, रिस्क में बेबरकतियां होती जा रही,
अरे क्यों हो रहा है 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक? मैं बताऊं, शायद उसका भाई नाराज है, शायद उसकी बहन रूठी है। अरे उससे पूछे जिसका भाई नाराज है, उसका दिल कैसे कटता और कैसे जलता है। कि आज छोटी उम्र के दिल की बीमारियां, आज ये छोटी उम्र की हाइपरटेंशन और ये सारे के सारे मसाइल, ये कतर रहमी ही तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो अपने मोमिन को, भाई को 3 दिन 3 रातों से ज्यादा नाराज रखे। और हदीस में कि अगर वो 1 साल से ज्यादा नाराज रखेगा तो गोया उसने उसको कत्ल ही कर दिया। और वो कैसे अल्फाज हदीस के फरमाया गया कि जब मोमिन इस हाल में मिलते हैं कि एक अपना चेहरा उधर और एक अपना चेहरा उधर कर लेता है, तो आपने फरमाया उस वक्त अल्लाह की रहमत के करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करता है। और कितना बड़ा है वो वादा हदीस का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दे दी, गौर से सुनिएगा, कि वो शख्स जो तरके नजाक करता है, तरके नजाक यानी जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, जो खफगी है दो बहनों में है, दो भाइयों में, वो कहता है मिट्टी डालो खत्म करो, वो शख्स जो तरके नजाक में पहल करता है वो जन्नत के वुस्त में, इट्स नॉट जस्ट इन जन्ना, वो जन्नत के वुस्त में, सेंटर में, हार्ट ऑफ जन्ना में अपना महल बना लेता है। मैं ये हदीस जितनी दफा पढ़ती हूँ, मेरा कई दफा दिल करता है काश आज कोई नाराजी होता, मैं मना ही लेती, लेकिन बस फिर उसके बाद शुक्र करती हूँ कि शुक्र है कोई रूठा तो नहीं है, शुक्र है कोई नाराज तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें राजी ही रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें खफगी और नाराजगी और कतर रहमी से बचने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिला रहमी के हवाले से इतने प्यारे और इतने खूबसूरत वाकियात और इतने अनमोल किस्से हैं, कैसे रवैया इख्तियार करना है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कि आप क्या करते थे रहम के रिश्तों के साथ, बस वही करना है मुझे और आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला के लिए हाथ उठा के उनके कबूल इस्लाम की दुआ करते थे। फौत हो गए तो आपने कसरत से उनके लिए बख्शिश की दुआ की और ज़ारो क़तार रो रहे थे आप। हजरत अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर हैं तो आखिरी अल्फाज क्या है, हम तो अपनों के दीन ईमान और इस्लाम की भी फिक्र नहीं कर रहे। शायद हजरत अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज हैं, चचा कलमा पढ़ लीजिए। यह है मोहब्बत का अंदाज, ये है रहम के रिश्तों के साथ खूबसूरती और उनके साथ दिल लगी का अंदाज। और फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे चचे, उनका तो वाकया ही बहुत प्यार है। गजवाए बदर के बाद ना, आपको पता है गजवाए बदर में मुसलमानों को कितनी बड़ी यौमुल फुरकान में फतह हुई थी, 70 काफिर हलाक हुए थे और 70 काफिर जो है वो कैदी बने थे। इन कैदियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। तो सहाबा फरमाते हैं कि इतनी जबरदस्त कामयाबी और इतनी जबरदस्त फतह के बाद हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रात को बस बहुत ही बेचैन है और आपको नींद नहीं आ रही और आप करवटें बदल रहे हैं। तो सहाबा ने बेचैनी की वजह पूछी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अब्बास के कराहने की आवाज सोने नहीं देती। वाह, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चचा जिसने 12 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो हिजरत के बाद भी वो चचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ, काफरों के साथ, मुसलमानों की गर्दनें काटने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पर करने के लिए आया है। वो चचा कैद है और वो जख्मी और जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो करार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही। अपना मुहासबा तो कर लीजिए, हमें अपने अजीजों के कराने की आवाज क्या आती भी है कि नहीं? और कितनी रातें ऐसी होती है कि हमें अपने अजीजों और अपने प्यारों और अपने बहन भाइयों के कराने और रोने की आवाज आए और खबर पता चले और हमारी रातें बेसुकून और बेख्वाब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश है, आपका ख्याल, आपकी मर्जी, जो आराम का ख्याल करके सहाबा इकराम ने चुपके से ना हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की जंजीरें खोल दी, और जब जंजीरें खोल दी तो वो खामोश हो गए। तो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने सवाल किया कि क्या बात है, अब अब्बास के कराने की आवाज़ नहीं आ रही? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आराम के पेश नज़र हमने उनकी जंजीरें, बेड़ियाँ खोल दी हैं, अब अदल देखिए। आपने फरमाया, हमारा हाल ये होता है कि हम एक अजीज को छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ते हैं, और दूसरे की तरफ झुकते हैं जिसकी तरफ, उसके लिए सिफारिशें, बेईमानियां, धोखे, रिश्वतें सब कुछ ही कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो फिर अब्बास को भी बेड़ियां पहना दो या सब
कैदियों की बेड़ियां खोल दो। और फिर बदर के बाद अगले दिन हजरत अब्बास बहुत ज्यादा जख्मी थे और जिस्म के ऊपर बहुत जख्म थे और कुर्ता फट गया हुआ था। आपने कुर्ता मांगा, किसी का नहीं मिलता था, बहुत तवील लंबे कद के थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई का, मुनाफिकों के सरदार का कुर्ता पूरा आया था और उन्होंने हजरत अब्बास को दिया था। और जब अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ था तो बेटे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मांगा था और आप कुर्ता उतारने लगे थे तो हजरत उमर ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुनाफिकों के सरदार को अपना कुर्ता देंगे उनके कफन के लिए। तो आपने फरमाया था कि उमर ऐसे ना कहो, अब्दुल्ला बिन उबई ने मेरे चचा अब्बास को कुर्ता उस वक्त दिया था जब उनके नंगे बदन पर कोई कुर्ता पूरा नहीं आता था। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कि सिर्फ अपने मोहसिनों नहीं, अपने रिश्तेदारों, अपने रहम के रिश्तों के मोहसिनों के भी एहसान का इतराफ भी हो रहा है और इतराफ का बदला भी दिया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हजरत अली हैं, अली इल्म का दरवाजा है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब हैं, हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, उनको घुट्टी दे रहे हैं, तहनीक दे रहे हैं, उनको सीने से हिजरत पर आ रहे हैं तो लगा रहे हैं, उनको अपने घर अपने हुजरे में सुला रहे हैं, सीने से लगा के दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो करें अपने रिश्तेदारों के लिए, और कौन सी करें, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इन्हीं दुआओं की वजह से हिब्रुल उम्मा स्कॉलर ऑफ द उम्मा हुए। और फिर हजरत उम्मे हानी है, फतेह मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जितना बड़ा दिन, इंपॉर्टेंट दिन, मसरूफ दिन। और हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन, अव्वल तो वैसे खातून है, ऊपर से ददियाली रिश्ता है, शी जस्ट वॉक्स इन और वो वाक्या सुनाती हैं। वो कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लोगों को अमान दी है, मैंने अपने घर में किसी को अमान दी और अली रजी अल्लाह ताला उसके सर के ऊपर तलवार सोंध के खड़े में कि उसको कत्ल कर देंगे। आपने फरमाया जिसने उम्मे हानी, जिसको उम्मे हानी ने पना दी उसे हमने पना दी। मतलब ऐसे लगता है, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से और उदाद रहम के रिश्तों के हवाले से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे आपका रुझान अपने ददियाली रिश्तों की तरफ इतना है। और ये तो ना मैं दर्द दिल से आपको कहूंगी और बहुत दुख की हालत में कहूंगी कि आज हमारे माशे में पूरे का पूरा मेलान और रुझान और झुकाव जो है ना वो ननियाल की तरफ कर दिया जाता है, ददियाली रिश्तों के खिलाफ जहर उगला जाता है। मसलन आप वो ही देखें ना, चंदा चाचा तो नहीं कहते, चांद चंदा मामू कहते हैं। हालांकि चांद चाचा बहुत ज्यादा बेहतर और राइमिंग भी है, लेकिन वो मामू ही को चांद और महताब बना के दिखाया जाता है। मैं आपको बताऊं, बदतरीन दुश्मन है वो माँ, बदतरीन दुश्मन है वो माँ अपनी औलाद की जो उसके दिल में उसके ददियाल के खिलाफ जहर डाल देती है। अरे बदतरीन दुश्मन हो तुम उन औलादों की, तुम उनके खाइफ कर रही हो, वो दादा दादी जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इन बच्चों के लिए हाथ उठा के दुआएं करना था, तुम उस चचा और उस फुप्पी से बदगुमान कर रही हो इनको जिनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये आग के तारे लाडले राज दुलारे। अरे मोहब्बतें कहाँ मिलती हैं, ये रिश्ते ये खलूस किसी कीमत पर बिकते हैं। उस मोहब्बत करने वाली और बेलौज जिंदगी कुर्बान करने वाले चचा से खाइफ कर दोगी तुम? ये बदतरीन दुश्मनी है औलादों से कोई माँ कर सकती है अगर करेगी। अल्लाह हमें ऐसी माएं और हमारी बेटियों को ऐसी बेटियां ना बनाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झुकाव और मेलान सिर्फ ददियाल की तरफ नहीं, हमें पता चलता है कि जब आप मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए थे ना, तो आप सबसे पहले अपने ननियाली गांव में तशरीफ ले गए थे। और हाँ, सिर्फ ये भी नहीं कि ननियाली और ददियाली, आपके ससुराली रिश्तों के साथ भी कितना प्यारा सा ताल्लुक है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन है और हजरत खदीजा फौत हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत शुदा बीवी की बहन और साली की आवाज सुनते थे ना तो आंखें डुबडुबा जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका या बकरी होती थी तो सबसे पहले गोश्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन के घर भेजा जाता था। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हजरत इस्मा, इनके साथ तो इतने प्यारे प्यारे से वाक़ियात हैं। हजरत इस्मा को सदके की ताकीद करें, इस्मा गिन गिन के ना देख, इस्मा रोक ना ले, अल्लाह भी गिन के देगा, अल्लाह भी रोक लेगा।
और फिर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला ना के भाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को तहज्जुद की ताकीद की जा रही है। हजरत मेमूना रजी अल्लाह ताला ना के भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को रात को उनकी बारी में उनको अपने हुजरे में सुलाया जा रहा है, उनके लिए दीन के फहम की दुआएं की जा रही हैं। तो ये है वो रवैये, ये है वो सुन्नत के नमूने जो रहम के रिश्तों के साथ अपनाने हैं। आपके अपने हकीकी बहन भाई तो थे ही नहीं ना। वो बड़ा प्यारा सा वाकया गज़वा हुनैन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रावी बताते हैं कि हमने देखा कि कैदियों में एक औरत थी, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना टिकटिकी लगा के बांध के देख रही थी। पहले वो पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर उसकी आंखों में अजनबीयत जो है वो अपनाइयत में और पहचान में बदली, फिर उसकी निगाहों में मोहब्बत नजर आई और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई और उसने पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैंने तो आपको पहचान लिया, मैं आपकी वही बहन हूँ। ये कौन थी? हज़रत हलीमा की बेटी हज़रत शैमा बिनते हारिस। और फिर इन्होंने तारुफ करवाया कि मैं आपकी वही बहन हूँ जो आपको बचपन में अपनी गोद में झूला दिया करती थी, आपको खिलाया करती थी। और बहुत प्यारी दुआ है जो हज़रत शैमा ने बताई। इन्होंने कहा कि जब आप मेरी गोद में होते थे और मैं आपको झूला देती थी तो मैं आपके लिए हमेशा तीन दुआएँ करती थी। देख लीजिएगा, बहन की दुआ में, भाई के लिए बहन की दुआ में क्या तासीर है, कैसे रंग लाती है। फरमाती है कि मैं दुआ किया करती थी कि इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीता रखना, यानी लंबी जिंदगी देना। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी हयात तैयबा में 17 कातलाना हमले, 17 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, एंड ही केम आउट ऑफ ऑल ऑफ दीस अनस्कैश्ड। कहीं बहनी की तो दुआ नहीं थी? अल्लाह का हुक्म और मर्जी तो थी, लेकिन बहन की दुआ भी तो थी। दूसरी दुआ करती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दुश्मनों पर गलबा देना। रियली? हिजरत करके मक्का से मदीना खाली हाथ लुटा पुटा ये काफिला मक्का से मदीना जाता है और 8 सालों में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह मक्का बन के मक्का में दाखिल होते और 2 साल बाद ही हिजरत के यौमुल फुरकान और गजवाए बदर की फतह। ये बहन की दुआ ही तो नहीं थी? और फिर दुआ किया करती थी कि इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इज्जत देना और वो सरदारी देना जो कयामत तक रहे। अल्लाह सुभाना ताला ने वादा फरमा दिया था वरफा नाला का जिक्र के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपका जिक्र खैर कयामत तक कायम रखेंगे, जहां अल्लाह का नाम आएगा वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। ये बहन की दुआ थी। मैंने जब पहली दफा हजरत शैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये दुआ पढ़ी और सुनी तो उसके बाद मेरी कोई नमाज ऐसी ना गुजरी कि मैंने अपने बहन भाइयों को अपनी दुआ में शामिल ना रखा। उससे पहले दुआओं में कोताही होती थी, लेकिन जब उसके बाद इस दुआ की पावर और इसकी तासीर का मुझे एहसास हुआ तो मैंने अपने प्यारों को कोशिश की कि कभी कोई नमाज ऐसी ना गुजरे कि मैं इन प्यारों को अपनी दुआओं से खारिज कर दूं। अल्लाह सुभाना ताला आज हाथ उठा के अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ मांग लीजिए। अल्लाह हमारे ये बहने, हमारे ये भाई, हमारे ये माँ जाए, हमारे ये लाडले, हमारे ये माँ के पेट के साथी, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी मदद, इनकी रहनुमाई फरमा। अल्लाह सुबहाना ताला हमारे जो जो ये प्यारे बहन भाई हयात हैं, अल्लाह उनकी इज्जत, उनकी आप के ईमान, उनके इस्लाम, उनकी दीन, उनके रिस्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके घर वालों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, उनके दिलों का सुरूर बना दे। अल्लाह उनको उनकी औलाद, उनकी अजवाज की तरफ से खुशियां अता फरमा दे। अल्लाह उनको इज्जत सहूलत से कुशादा रिस्क अता फरमा। अल्लाह उनको दीन और ईमान अता फरमा। अल्लाह सुभाना ताला, अल्लाह सुभाना ताला हमारे जो प्यारे बहन भाई हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह हमारे ये लाडले जो हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह इनकी कमर को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह सुभाना ताला इनकी सारी हसनात को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी कमियों कुताइयों को दरगुजर कर देना।
या अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमाना। अल्लाह सुबहाना ताला इनको अपने सवाले बंदों के सफ में दाखिल फरमाना। अल्लाह हमारे इन प्यारों इन लाडलों को अल्लाह अपने महबूब बंदों के सफ में शामिल फरमाना। या अल्लाह करम फरमा, अपने इन प्यारों से जुदाइयां हमें तड़पाती भी हैं, हमें रुलाती भी है। अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको इनके साथ जन्नत में मिला देना। रब इब्नी ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाहुमा अजिरना मिनन नार, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि रिश्तेदारों को दो, और दो कैसे, कोई उन पर एहसान करके, कोई देन करके नहीं, उनको उनका हक समझ के दो। क्या दो? उनको मोहब्बत, उनको वक्त, उनको तवज्जो, उनको अहमियत दो। अगर उनको मदद की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, अच्छे मशवरे दो। हुस्ने अखलाक, हुस्ने सलूक से उनको, आज रिश्तेदारों को अहमियत ही नहीं दी जाती। आज हम दोस्तों को, बॉसेस की बीवियों को, अपने दुनियावी रिश्तेदार लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर उनको अपने दीन और इस्लाम की तालीमात उन तक पहुंचाओ, उनके साथ शेयर करो, लेकिन क्या ना देना, ताने, तिशने, शिकवे, शिकायतें, खफकियां, नाराजगियां उनकी जिंदगियों में तजस्सुस ना करो, कुरेद ना करो, टोन ना करो, उनके ऐबों की तशहीर ना करो, उनको माफ कर दो, गुस्सा पी लो। याद रखें, अल्लाह अपने हक माफ कर देगा, अपने बंदों के हक माफ नहीं करेगा। अल्लाह हमें हकूक उल इबाद की हसासियत और अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुबहाना ताला ने अगला हुक्म फरमाया, वला तो बज़िर तबज़ीरा, कि तुम क्या ना किया करो, तबज़ीर ना किया करो। तबज़ीर क्यों ना किया करो? क्योंकि तबज़ीर क्या है? वो शैतानी काम है। तबज़ीर शैतानी काम है। मालूम नहीं आपको शायद माइक में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ये अजान मेरे पोते की अजान है और आप सब इस बात की गवाही देंगे और सब इस बात को जानती होंगी कि मैं बहुत दफ़ा अपनी नशिस्तों में ये दुआ किया करती थी और अब भी करती हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला हमारी नस्लों में मुअज्जिन उठा लेना, हमारी नस्लों में मुअज्जिन और हाफिज़ कुरान उठा लेना। और आज मैं आपसे अपने दिल की हालत बयान करूँगी कि मैं अल्लाह से यकीन और तवक्कुल से तो दुआ करती थी, लेकिन मैं जब भी दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे पोतों को मेरी नस्लों में से मुअज्जिन उठाना, तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ये क्यों कर मुमकिन होगा, ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरा रब रहमान है, मेरा रब बड़ा रहीम है। वलम्मकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब दुआएं सुनता है। मेरा काम दुआएं करना है। मैं अपनी नस्लों में मुअज्जिन की दुआ करती थी। पिछले दिनों में मेरे पोते ने अजान देनी शुरू की और मैंने उसे जिम्मेदारी लगाई कि तुम पांच वक्त हमारे घर में अजान दिया करो। और फिर साथ ही कुछ दिनों के बाद ये लॉकडाउन हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हर नमाज की अजान भी देता है, फिर हमारी सफ़ें भी डालता है, फिर बाजमात नमाज के बाद जा नमाजें वो और उसका छोटा भाई मिलके भी उठाते हैं। मैंने और मेरे मियाँ साहब ने इसको भी कहा और अपने बच्चों को भी कहा कि अब घर में इस आदत को निकलने ना देना, अभी ये बड़ा है, बाद में बाकी बड़े होंगे तो बांट देना। ये जमात के लिए जाएंगे भी तो घर में अजान दे के जाएंगे। अल्लाह सुबहाना ताला हमारे बच्चों को मुअज्जिन बना देना। आपसे दुआ है, दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए क्योंकि अल्लाह इनको इस काम में इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह इनको हाफिज़े कुरान बनाए, अल्लाह इनको आलिमे दीन बनाए, अल्लाह सुबहाना ताला इनको दीन का खादिम बनाए, इनको हामिले कुरान और आमिले कुरान बना के हम सब के लिए सदका जारिया बनाए। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दफ़ा
खिड़कियां बंद होती थी तो अजान की आवाज भी सुनने से कई दफा महरूम रह जाती थी और जवाब नहीं दे पाती थी और बहुत मुझे घबराहट होती थी। कभी मैं मोबाइल में अजान डाउनलोड करती थी, कभी अजान क्लॉक लेती थी और फिर नहीं भी सुन पाती थी तो जायनमाज पे खड़े होने से पहले अजान का जवाब देती थी, पर बहुत परेशानी होती थी। और यकीन माने कि मुझे कभी एहसास भी नहीं था कि मुझे इतनी खूबसूरत अजान और अपने इतने प्यारे की जबान से अजान मेरा रब दुआएं सुनने वाला है। अब उसकी अजान मेरे कान में रस भी घोलती है, मेरा ईमान भी बढ़ाती है, मुझे अजान के जवाब का मौका भी देती है। और अजान के बाद वो जो कहते हैं ना हदीस में आता है कि अजान और अकामत के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं, इंशाल्लाह मेरा रब बाकी भी जरूर कबूल करेगा। अल्लाह अल्लाह हम माओं की दुआएं हमारी औलादों के हक में कबूल फरमा दे। अल्लाह सुबहाना ताला ने आगे फरमाया आयत नंबर 27 में, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़िरीन कानु इख्वान शयातीन, कि ए लोगों तुम तबज़ीर ना करना। क्यों क्यों ना करें? तबज़ीर का मतलब है वेस्टफुल तरीके से अपने माल को ज़ाया ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि तबज़ीर करने वाले शैतान के भाई बंद होते हैं। वकान शैतान उली रब्बी ही कफूरा, और शैतान अल्लाह का बहुत नाशुक्रा है। तो गोया एक और चीज जो अल्लाह अपने हतमी हुक्म में मना कर रहा है वो माल और पैसे को खर्च करने से मना किया जा रहा है, फजूल खर्ची से मना किया जा रहा है। इस हवाले से यहां मैं वजाहत से कुछ बात करूंगी कि अल्लाह ने दो अल्फाज और दो अहकामात दिए हैं। सूरह अराफ में अल्लाह ने फरमाया कुलू वश्रबू वला तुसरिफू, देखो खाओ पियो, खाना पीना अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन खाने पीने में क्या ना करना, इसराफ ना करना, ओवर डू ना करना, हदूद से क्रॉस ना करना और ओवर स्पेंडिंग ना करना। क्यों क्यों ना करें? हमारे पैसे हम जैसे मर्जी खर्च करें, हमने कमाए हम जैसे करें, नहीं इसलिए ना करना क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह क्या नहीं करता, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के महबूब बंदों की सबसे निकल जाओगे, अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाओगे, इसराफ ना करना। इसराफ अल्लाह की मोहब्बत से महरूम करता है और तबज़ीर उसके बियॉन्ड एक बिगड़ी हुई हालत है, वो अल्लाह के महबूब बंदों से बाद शैतान का दोस्त बना देता है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसराफ से बिगड़ी हुई शक्ल तबज़ीर है। मैं कई दफा ये बात मिसाल से समझाती हूं, उम्मीद है कि आपको भी समझ आ जाएगी। मसलन अगर हम एक बड़े से हॉल में बैठे हैं और 10-15 लोग बैठे हैं, लेकिन जितनी लाइटें और पंखे हमारे ऊपर हैं उसकी बजाय हमने सारे हॉल की 40-50 लाइटें जला रखी हैं, तो 10-15 लोगों के लिए नहीं चाहिए, ये क्या है? ये इसराफ है। लेकिन अगर वो लाइटें और पंखे हम चलते छोड़ के चले जाते हैं तो ये तबज़ीर है। अगर हम अपनी नल खोल के ब्रश कर रहे हैं और टूथपेस्ट और टूथब्रश हम कर रहे हैं और नल खुला है उस वक्त, उसकी जरूरत नहीं है तो ये इसराफ है। लेकिन हम फारिग होने के बाद नल खुला छोड़ के चले जाते हैं तो ये तबज़ीर है। तो ये इसराफ और तबज़ीर है। इसराफ से अल्लाह की मोहब्बत से महरूमी है और उसकी वर्सेंट फॉर्म सुपरलेटिव फॉर्म तबज़ीर है और उससे शैतान की दोस्ती है अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होने के बाद। ये भी कुछ दफा लोगों को समझ नहीं आती कि फ्रॉम वेयर डज इसराफ स्टार्ट, कि हम कहां तक खर्च कर सकते हैं और कहां के बियॉन्ड इसराफ होता है। असल में इसराफ जो है वो हमारा दीन बहुत प्रैक्टिकल है, और जब कोई शख्स अपने दौर के जो दरमियाने तबके की जिंदगी के हालात हैं जब उसके बियॉन्ड खर्च करता है, मिडिल क्लास तबका जो सोसाइटी का उस दौर का है उसके बियॉन्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अडॉप्ट करने के लिए खर्च करता है तो वो इसराफ है। क्योंकि आप देखें कि हर दौर में साइंटिफिक इर्तिका तो है, अब हम गारों में तो रहते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो हुजरे थे, वो बहुत सादे थे, जमीन पर सोते थे। अब आज दीन हमसे ये मुतालबा नहीं करता कि हम गाड़ी पर ना चढ़ें, हम एसी ना इस्तेमाल करें, हम गीजर ना चलाएं, हम हीटर ना चलाएं, हम फर्शों में कारपेटिंग ना करें। अपने कंफर्ट लेवल की ये चीजें जो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के अंदर राइज हैं वो हमारी बेसिक उस दौर की इम्यूनिटीज और कम्फर्ट्स और लग्जरीज हैं, दे आर वेरी मच परमिसेबल इन इस्लाम। लेकिन बियॉन्ड दैट अगर कोई खर्च करता है फॉर एग्जीबिशन, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ और दिखावे के लिए कि देखो देखे मार्बल फ्लोर लगाया हुआ, लेकिन अगर बचता ही इटालियन टाइलों के बगैर नहीं तो वो इसराफ है।
एक नॉर्मल लाइट पॉइंट रीजनेबल रैशनल सा कुमकुबा लगाया हुआ है, लेकिन अगर कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा कोई फ्रेंच किस्म का वो क्रिस्टल्स का शैंडलियर लगेगा तो ही बचेंगे, तो फिर ये इसराफ और तबजीर है। तो लिहाजा मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से जब एक्सीड करके स्पेंड किया जाता है जस्ट फॉर एग्जिबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो ये सब इसराफ और तबजीर के जुमरे में आता है। और ये मेरी अपनी राय नहीं है, हयाते तैयबा का वाक्या भी है। आते तैयबा का वाक्य है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना की गली में जा रहे थे, एक सहाबी साथ थे, आपने घर देखा जो दो मंजिला इमारत थी। आपको पता है कि हयात तैयबा में मदीना में एक मंजिला कच्चे घरों का रूटीन थी। हज़रत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला उनका जो एक बाला खाना था वो एक छोटा सा एक कमरा था, वरना अदरवाइज सिंपली सिंगल स्टोरीड घर लोगों के मौजूद थे। आप एक घर के पास से गुजरे जिसकी इमारत दो मंजिला थी, आपने साथ वाले सहाबी से पूछा कि ये घर किसका है, उन्होंने नाम की निशानदेही की। आप वापस जब मस्जिद नबवी तशरीफ लाए तो थोड़ी देर के बाद वो सहाबी जिनका वो दो मंजिला घर है वो भी वहां पे हाजिर हुए, उन्होंने सलाम किया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैमाना बिल्कुल वही है जो अल्लाह की मोहब्बत का पैमाना है। कुरान ने हमें बता दिया कि अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफ करने वालों से कैसे मोहब्बत करेंगे? मदीना का नाम है सिंगल स्टोरी घर, अब डबल स्टोरी इसराफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया। अब जब इनके सलाम का जवाब नहीं दिया तो वो तो परेशान हो गए, इन्होंने इर्द गिर्द लोगों से पूछना शुरू किया। वो साथी जो साथ थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने बताया कि शायद ये तुम्हारे घर की दो मंजिला इमारत है जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ की वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी और मोहब्बत सबसे बड़ी बात थी। ये लोगों को साथियों को साथ लेके गए, कोढ़ाले बेलचे लेके ऊपर वाली मंजिल को ढा दिया, वापस आए, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दे दिया। So this is where you derive what the concept of israf is. ये इसराफ और तबजीर आज हमारी जिंदगी में हर चीज में राइज। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारी शादियां, हमारे ब्याह, हमारी खुशियां, हमारी गमियां। अरे वो शादियां लिमिटेशन के बावजूद वो फार्म हाउसेज में जो 50-50, 100-100 डिशेस की शादियां, और फिर थालियों में इतना डाल दिया जाता है, फिर कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता है। एंड जस्ट इमेजिन आजकल की शादियों में वो जो ड्रेसेस बनाए जाते हैं, वो जो बहू का या वो जो दुल्हन का वो एक ब्राइडल जोड़ा जो लाखों में वो ब्राइडल शूट्स, वो फोटो शूट्स, और फिर उसके बाद मेकअप्स, वो जो एक दफा धो के सारा नाली में चला जाएगा। अरे बनाओ सिंगार तो दुरुस्त है, सजना बनना तो शौहर के लिए दुरुस्त है, लेकिन लाखों के अंदर ये सब क्या है? क्या ये इसराफ, क्या ये तबजीर मेरे इस माशरे में जहां लोगों के पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, जहां अपनी बीमार मां को दवा ला के देने के लिए माल नहीं है, बच्चों को मौसम के कपड़े या उनकी स्कूलों की किताबें या उन बच्चों की फीसें देने के लिए बाप के पास पैसे नहीं है, मेरे उस माशरे में तकासुर, रिया, दिखावे और इसराफ और तबजीर ये क्या जायज और हलाल है या शैतान के भाई बंदों का तरीका है? अल्लाह हमें इन तसव्वुरात को समझने, अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होने वाले अमाल को जानने, इनसे बचने और शैतान की भाईचारे के अमाल को अपनी जिंदगी से खारिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुबहाना ताला ने अगली बात बताई कि अगर इन हाजतमंद रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो तो इस बिना पर तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके उम्मीदवार हो उन्हें नरम जवाब दो। गोया अगर कोई सवाली तो जैसे आजकल फकीरों का एक बाकायदा माफिया है, गैंग्स हैं, कोठियां बनाई हुई हैं, करोलास में आते हैं अपने काम करने के लिए, फकीरी का पेशा अपनाने के लिए, तो ऐसी हालत में अगर कोई नहीं देना चाहता तो शरीयत में अलाउड है, लेकिन उनको झिड़का नहीं जाएगा, नरम अखलाक की बात होगी। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रख और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दे, मलामत ज़दा और आजिज बन के ना रह जा। याद रखिएगा हमारा दीन खैरुल उमूरी औसतिहा, बेहतरीन मामलात वो हैं जिसमें दरमियाना रवि है। जहां हमने कल बात की थी कि अल आजला तू मिन शैतान, वहां ये भी था अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिनल अजजी वल कसली, जहां पर आ रहे वला तुबज़िर तबज़ीरा, वहां पर बुखलसी भी तरदीद है। बेहतरीन मियाना रवि का तरीका सिखाया जा रहा है। तेरा रब जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को फक्र फाका के अंदेशे से कत्ल ना करो, इंशाल्लाह कत्ल औलाद पर कहीं और बात होगी। हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी, दर हकीकत उनका कत्ल एक बहुत बड़ा खता है। जिना के करीब भी ना जाओ, जिना सिर्फ शर्मगाह का जिना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
शौक से, मोहब्बत से, रगबत से देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना कानों का जिना है, बोलना जबान का जिना है, छूना हाथ का जिना है, चल के जाना पाँव का जिना है, फिर शर्मगाहें तकमील करती हैं या तकमील को छोड़ देती हैं। ये बहुत ही बुरा फेल और बहुत ही बुरा रास्ता है। कत्ले नफ्स का इर्तिकाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने कसास के मुतालिबे का हक अता किया है, बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। माल यतीम के पास ना फटको मगर अहसन तरीके से, यहां तक कि वो शिबाब को पहुंच जाए। वादों की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। पैमाने दो तो पूरे भर के दो, तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है और बलहाज़े अंजाम भी यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसे कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, तो लोगों के हालात ना मालूम करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। यकीनन आंख, दिल, सब कान की बास पुरस होनी है। जमीन में अकड़ के ना चलो, तकब्बुर ना करो, घुमंड ना करो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन अमूर में हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नुम में डाल दिया जाएगा मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम। अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार। कैसी अजीब बात है, तुम्हारे रब ने तो तुम्हें बेटों से नवाजे और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बनाया। बड़ी झूठी बात है जो तुम जबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आ जाएं, मगर वो हक से और ही ज्यादा दूर भागे जा रहे हैं। इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते ना जैसे ये लोग कहते हैं, तो मालिक अर्श के मकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बालत और बुलंद है उन बातों से जो ये कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमानों और ज़मीनों में और सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना करती हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो ना, तो हम तुम्हारे दरमियान और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं। ये पर्दा कोई एक्चुअल पर्दा या कोई स्क्रीन नहीं है, ये जिद का, डिटाई का, तकब्बुर का और दुनिया की मोहब्बत के पर्दे हैं। उनके दिलों पर ऐसे गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ समझते ही नहीं है। उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने रबी का जिक्र करते हो ना, तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगा के तुम्हारी बातें सुनते हैं ना, और जब बाहम बैठ कर बाहम सरगोशियां करते हैं ना, तो क्या कहते हैं ये जालिम आपस में? कहते हैं तो सहर ज़दा है जिसके पीछे तुम लगे हो, देखो कैसी बातें हैं ये जो लोग तुम पर छांटते हैं, ये भटक गए, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम हड्डियों और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ ना, या इससे भी कोई सख्त चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से भी बईतर है, तुम फिर भी उठोगे? वो जरूर पूछेंगे कौन है जो हमें जिंदगी की तरफ पलटाएगा? जवाब में कहो वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फिर दिल में उतर रही है ना बात, वो सर हिला हिला के पूछेंगे अच्छा तो ये कब होगा? कहो क्या जब वो वक्त करीबी आ लगाओ जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार की जवाब में निकल आओगे। और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम थोड़ी ही देर इस हालत में रहे। मेरे बंदों से कह दो जबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन है। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारी हालत से ज्यादा वाकिफ है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और हमने तुम्हें लोगों पर हवाला दार तो नहीं बनाकर भेजा। तेरा रब जमीन और आसमान की मखलूकात को ज्यादा जानता है। हमने बास पैगंबरों को बास से बढ़ के मर्तबे दिए और दाऊद को तो हमने जबूर दी। उनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा कारसाज बनाते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे हटा नहीं सकते ना बदल सकते हैं। जिनको ये पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हजूर रसाई हासिल करने का वसीला ढूंढ रहे हैं कि कौन उससे करीब तर हो जाए, और उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से खाइफ हैं। हकीकत यह है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक। और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम कयामत से पहले हलाक नहीं करेंगे या अजाब नहीं देंगे। ये नोशा इलाही में लिखा है और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका, मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग इनको झुटला चुके हैं।
देख लो, समूद को हमने इलानियां ऊंटली लाकर दी और उन्होंने जुल्म किया। हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरे। याद करो, हमने तुमसे कह दिया था, तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और ये जो कुछ हमने अभी तुम्हें दिखाया है ना, और उस दरख्त को, ये मुशाहिदात जो करवाए गए थे उसका तज़करा, और उस दरख्त को, किसको? जकूम के दरख्त को, जिसमें लानत की गई है, हमने उन लोगों के लिए बस एक फितना बना के रख दिया है। हम उन्हें तंबीह पर तंबीह किए जा रहे हैं, मगर हर तंबीह उनकी सरकशी में इजाफा किए जाती है। अल्लाह सुबहाना ताला ये तंबीहात जो हमें कुरान में सुनाई दी, हमने पढ़ी, अल्लाह हमारे ईमान में और अल्लाह हमारी इस्लाह का ज़रिया बन जाए, अल्लाह हमारे रब की तरफ पलटने का ज़रिया बन जाए। और अल्लाह जब हम तेरी तरफ पलटें तो हमें थाम लेना, हमें अपना बना लेना, हमें अपने रंग में रंग के ऐसा बना देना कि तू हमसे राज़ी हो जाए और हम तुझे पसंद आ जाएँ। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين।